असल एंड वेलकम बैक टू सी ए लतीफ़ अकेडमी सोटे वील्डो ट्रांसपोर्ट एंड कम्य वन शॉर्ट सीरीज़ तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपको समझनी है याद रखनी है उनको कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना आप लोगों को बहुत सारी शिकायतें होंगी दैट आई एम नॉट कंसिस्टेंट ऑन दिस चैनल मैं कंसिस्टेंटली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बट आई बी ऑनस्ट वीडियो गाइज़ मैं पिछले तीन दिन से ये वाली वीडियो प्रपेयर कर रहा हूँ एंड इट टेक्स अलॉट ऑफ टाइम टू मेक वन वीडियो मैं अगर चाहूँ तो शायद एक दिन में मैं रेगुलरली एवरी डे रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड कर सकता हूँ बट आई डोंट थिंक कि वो वीडियोज़ जो हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी सो आई मेक श्योर कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी क्वालिटी अच्छी हो और वो आपके लिए

दैन विल ट अबाउट द पाइप लाइन टॉक अब द इंडियन रेलवेज जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट रेलवे जोन की उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है विलसो टॉक अबाउट मेट्रो रेल्स उसके बाद हम वाटरवेज या वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे जिसमें हम इनलैंड वाटरवेज की बात करेंगे जिसमें हम सी पोर्ट्स की बात करेंगे विल ऑल्सो टॉक अबाउट द एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट एयरपोर्ट्स की डिफरेंट एयरलाइंस की एंड विलसो टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें हम पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोडस को कवर करेंगे सो so, ये कम्प्रहेंसिव वीडियो होगी एंड आई विल मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट जो भी इसके रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ना वट एग्जैक्टली इस ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मोवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल मतलब जब हम लोगों को या फिर चीज़ों को गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं सो दैट्स कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट एंड जिस जिन मीन्स के थ्रू जिस भी चीज के थ्रू आप मूवमेंट कराते हो लोगों की या गुड्स की उसको हम मीन्स ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कहेंगे वैसे ही अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें कम्युनिकेशन में भी एक जगह से दूसरी जगह एक चीज जाती है लेकिन जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है दैट्स इंफॉर्मेशन और डेटा सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज के जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें लोग या फिर चीजें गुड्स मटीरियल गुड्स जो फिज़िकल गुड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लिए जाते हैं लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन या फिर डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में रोडवेज आएंगे रोडवेज के थ्रू आप लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो या फिर आप गुड्स को भी चीज़ों को भी फिजिकल चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो लाइक वाइज रेलवेज या एयर ट्रेवल या वाटरवेज पाइपलाइंस के थ्रू भी आप फिजिकल चीज़ों को ले जा सकते हो अब यहाँ पे पाइपलाइंस जो है पाइपलाइंस के थ्रू आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते बट यू कैन ट्रांसपोर्ट फिजिकल गुड्स यू कैन ट्रांसपोर्ट एल पी जी यू कैन ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल इस तरह की चीजें आप पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो सेकेंड अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में आपका ई मेल आएगा आपका टेलीफोन आएगा लेटर्स सेटेलाइट तो इन सारी मोड्स के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड कर सकते हो तो इन्हीं के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की पहले हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर हम क्लासीफाई करने की कोशिश करें सो वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंटू फोर डिफरेंट कैटेगरीज फर्स्ट इज द लैंड ट्रांसपोर्ट सेकेंड हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है देन वी हैव द एयर ट्रांसपोर्ट एंड देन वी हैव द रोपवेज नौ लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट के मीन्स जो कि लैंड के ऊपर चलते हैं फॉर एग्जाम्पल इसमें रोडवेज आएंगे जो रोड होते हैं

कोस्टल वाटरवेज ये ऐसे वाटरवेज होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में होते हैं या फिर जो कोस्टल एरियाज होते हैं आप कोस्ट के नजदीक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो देन वी हैव द इंटरनेशनल सी रूट जब समंदर के थ्रू आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्ट करते हो उसको हम इंटरनेशनल सी रूट के थ्रू करते हैं तो ये तीनों जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट में आएंगे एयर की अगर बात करें तो एयर में आपके एयरलाइंस आते हैं वो डोमेस्टिक हो सकते हैं मतलब विद इन अ कंट्री कंट्री के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं वो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं देन वी हैव द इंटरनेशनल एयरवेज इंटरनेशनल एयरवेज में आपकी यहां पे एयरलाइंस नहीं होने चाहिए इट शुड एयरवेज ठीक है तो इंटरनेशनल एयरवेज आपके ऐसे एयरवेज है जो कनेक्ट करते हैं आपके डिफरेंट कंट्रीज को सो इंटरनेशनल मीन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड डोमेस्टिक मीन्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स विद इन ए कंट्री ना देर आर रोपेज रोपवेज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो बट रोप वेज आपने देखी होगी रोप वेज लाइक वी हैव गोंडोला हेयर इन कश्मीर और जो कि श्रीनगर में भी एक रोप वे है तो इस तरह के भी कम्युनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं जो कि ये तो ये ना ही लैंड में आएंगे और ना ही ये एयर में आएंगे सो यू कुड प्लेस दैम इन एयर बट ये समवेयर इन द मिडल रोप

तो एक शाही रोड बनाई थी इन्होंने इंदस वैली को सोनार वैली जो बंगाल में थी लाइक इंदस वैली जो इंदस रिवर के अराउंड जो वैली थी उसको बंगाल यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो सोनार वैली थी इन दो को कनेक्ट करने के लिए एक रोड बनाई थी दरअसल ये रोड जो थी ये पहले भी हुआ करती थी ये इसका हिस्ट्री में भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं लेकिन इसने इसको आप मान सकते हो कि थोड़ा इम्प्रूव किया इसको जो है इसको डेवलप किया ताकि ये अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन कर पाए अब ये रोड कौन सी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड थी ये बेसिकली काबुल जो कि अफगानिस्तान से आती थी फिर पेशावर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में यहाँ पंजाब में एंटर करती थी एंड फिर डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू ये बंगाल तक जा, जाती थी और बंगाल से आगे ये बांग्लादेश तक भी जाती थी ये बहुत पुरानी रोड थी इस रोड को अगर आप देखोगे तो रामायणा में भी इसके बारे में बताया गया है एंड रामायणा में इसको उत्तर पथ कहा गया है उत्तर मीन्स नॉर्थ एंड पथ मीन्स रोड तो जो नॉर्थ में रोड होगी उसको उत्तर पथ कहते हैं तो ये वाली रोड जो है जो यहाँ काबुल पाकिस्तान से आती है एंड बांग्लादेश तक जाती है या बंगाल तक जाती है इसको रामायणा में उत्तर पथ के नाम से रेफर किया गया है लाइक इसके बाद इसको शाह राहे अज... आजम शाह राह आजम या सड़क आजम बादशाही सड़क द लॉन्ग वॉक इस तरह के नामों से भी जाना जाता रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री तो ये नाम जो है ये बेसिकली ज्यादातर जो मुगल एरा था उसमें इस नाम से पुकारा गया था एंड देन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इस रोड का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा जिसको आप जी रोड के नाम से जानते हो तो, तो, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये बेसिकली एक बहुत पुराना रोड था जो कनेक्ट करता था काबुल को यहाँ बंगाल बैं, या फिर बांग्लादेश ठीक है ये वाली रोड जो है आज इसको फिर ब्रिटिशर्स ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया और आज भी ये जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है और उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये यहाँ पेशावर है पाकिस्तान में पेशावर से यहाँ कैलकता जो कि बंगाल में है वेस्ट बंगाल में वहाँ तक ये रोड एक्सटेंडेड थी अब ये वाली रोड जो है ये आज भी इंडिया में है और इसी नाम से ये आज भी है इसको आज भी जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है और आज इंडिया में ये यहाँ पर अमृतसर से लेके यहाँ कोलकाता तक है बेसिकली अब ये वाली रोड जो है इसके ऊपर ये एक हाईवे बन चुका है और अगर हम आज के हाईवे की बात करें तो इंडिया में रिसेंटली जो है अराउंड टू थ्री इयर्स एगो एक नया हाईवे नंबरिंग सिस्टम इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया तो उस हाईवे नंबरिंग सिस्टम अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें तीन सेगमेंट्स हैं यहाँ अमृतसर से, से कोलकाता तक ये जो रोड आती है जी रोड आती है नई हाईवे नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसके तीन सेगमेंट्स हैं अमृतसर से लेके जालंधर तक अमृतसर से लेके जालंधर तक पंजाब में जो इसका यहाँ पे ये कोर्स है इसको हम एन एच थ्री कहते हैं मतलब नेशनल हाईवे थ्री में आता है ये हम आगे पढ़ेंगे कि हाईवे नंबरिंग कैसे की जाती है बट अभी के लिए आप याद रखो कि जो जी टी रोड का अमृतसर से लेके जालंधर तक जो यहाँ पे इसका सेगमेंट है उसको हम एन एच थ्री कहते हैं फिर यहाँ पे जालंधर से लेके आगरा तक जालंधर टू तो आगरा जो सेक्शन है वो एन एच के अंडर आता है एन एच वही है जो आपने सुना होगा जो कश्मीर में भी हा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है तो बेसिकली एन एच यहाँ से आता है जालंधर तक एंड uh, जालंधर से फिर ये आगरा तक जाता है और फिर आगरा से वो नीचे की तरफ जाते हुए तमिलनाडु या कन्याकुमारी तक जाता है लेकिन जी रोड में बस यही इसका सेगमेंट आता है दैट इज फ्रॉम जालंधर टू आगरा तो एन तो एच फिर आगरा से लेके कोलकाता तक एन एच एन है तो तीन सेगमेंट्स में जीटी रोड है फर्स्ट इज एन एच थ्री जो को, जो कि अमृतसर से जालंधर तक है एंड फ्रॉम जालंधर टू तो आगरा इट्स एन एच एंड फ्रॉम आगरा टू तो कोलकाता इट एन एच नाइनटीन तो ये इंपॉर्टेंट है यू शुड रिमेम्बर दिस बिकॉज हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए न अगर हम थोड़ा आगे जाए अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया के अंदर है इंडिया में अराउंड सिक्सटी लाख किलोमीटर्स की टोटल लेंथ है रोड्स की जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाद वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोडवे या रोड नेटवर्क माना जाता है तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है यूड नो दिस दैट द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया इज अराउंड 62 लाख किलोमीटर जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में अगर हम इंडिया की बात करें तो जो रोड डेंसिटी मेजर की जाती है तो वो मेजर की जाती है पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब कितने किलोमीटर का रोड पर स्क्वायर किलोमीटर में है मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो जितनी टोटल लेंथ है उसको डिवाइड कर देते हैं जो टोटल एरिया है इंडिया का उससे ठीक है तो उससे हमें मिलता है जिसे हम रोड डेंसिटी कहते हैं तो इस तरह से इंडिया की जो रोड डेंसिटी है दैट इज 1.9 पॉइंट नाइन किलोमीटर्स पर स्क्वा मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर 1.9 किलोमीटर रोड है ठीक है सो दिस इज द रोड डेंसिटी ऑफ इंडिया एंड ये बहुत डेंस है अगर हम कंपेयर कंपेयर करें तो ये यूनाइटेड स्टेट से भी ज्यादा है चाइना से भी ज्यादा है ब्राजील से भी ज्यादा है रशिया से भी ज्यादा है एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रोड डेंसिटी ऑफ हॉन्गकॉग तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आप याद रखोगे वन पॉइंट नाइन जीरो किलोमीटर इज द रोड डेंसिटी ऑफ इंडिया देन अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो सो वी से दैट के अगर पर थाउजेंड पीपल हम बात करें तो इंडिया में 5.13 किलोमीटर के रोड हैं फॉर एवरी 1000 पीपल हर एक हजार लोग के लिए यहाँ पे 5.13 किलोमीटर की रोड है यूनाइटेड स्टेट्स में इससे ज्यादा है अराउंड 20 किलोमीटर की रोड है फॉर एवरी थाउजेंड पीपल ऐसे चाइना में ये कम है बिकॉज चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इंडिया एंड उसमें रोड्स भी अगर देख देखते तो इंडिया के जितने नहीं है सो so, वहां पे थ्री पॉइंट सिक्स किलोमीटर्स ही है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इंडिया की पर थाउजेंड पीपल अगर हम रोड्स की बात करें सो इट्स फाइव पॉइंट वन थ्री अगर हम रोड डेंसिटी की बात करें इट वन पॉइंट नाइन किलोमीटर ऑफ रोड्स पर स्क्वायर किलोमीटर अगर टोटल रोड लेंथ की बात करें इट्स सिक्सटी टू पॉइंट वन फाइव लैख किलोमीटर्स देन अगर हम इससे थोड़ा आगे जाएँ तो हमने बोला कि सिक्सटी टू पॉइंट वन फाइव लैख किलोमीटर टोटल रोड लेंथ है उसमें से वन पॉइंट फाइव लैख

इंडिया में टोटल 70 परसेंट रोड्स पेव्ड हैं मतलब जिनके ऊपर मैगडम जो हुई है तो 70 परसेंट के अराउंड रोड्स इंडिया में मैगडमाइज है या पेव्ड है इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखने की नाइनटीन फोर्टी में मतलब जब ब्रिटिशर्स का टाइम था यहाँ पे तो उन्होंने एक नागपुर प्लान बनाया था तो नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे जितनी भी रोड्स थी उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया था फर्स्ट इज द नेशनल हाईवे सेकेंड इज द स्टेट हाईवे थर्ड इज द डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड फोर्थ इज द दिलेज रोड्स ना अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो नेशनल हाईवेज़ पे जो माइल होते हैं जिनको कश्मीरी में मिलकन कहते हैं तो माइल जो होते हैं उ, उनका कलर नीचे वाइट होता है और ऊपर येलो होता है तो येलो एंड वाइट से नेशनल हाईवेज़ की माइल रिप्रेजेंट की जाती हैं वैसे ही अगर हम स्टेट हाईवेज की बात करें तो स्टेट हाईवेज में ग्रीन एंड व्हाइट कलर के माइल हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर के माइल यूज किए जाते हैं वैसे ही अगर हम रूरल रोड्स की बात करें जो गांव में रोड्स होते हैं जो पी एम स्कीम के तहत बनाए जाते हैं उनका कलर ऑरेंज एंड व्हाइट होता है इस तरह के आपको गाँव में मिल जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यू शुड रिमेम्बर दैट फॉर हाईवेज द कलर ऑफ माइल इज येलो फॉर स्टेट स्टेट इट्स ग्रीन एंड व्हाइट

ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मैनेज करती है उसकी एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एन वही करती है मैनेज नेशनल हाईवेज को एंड स्टेट हाईवेज उसको यूजुअली जो स्टेट का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है वो मैनेज करता है और टोटल लेंथ इंडिया में स्टेट हाईवेज की 1.7 लाख सेवन किलोमीटर्स है जो कि टोटल जो रोड लेंथ है उसका थ्री परसेंट है वैसे ही डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो होते हैं उसको भी पीडब्ल्यू डी डिपार्टमेंट हैंडल करता है स्टेट का उसकी टोटल लेंथ अराउंड यहाँ पे ये छः लाख बत्तीस हजार मतलब सिक्स पॉइंट थ्री टू लैख किलोमीटर्स है और वो टेन परसेंट है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यू शुड रिमेंबर हाईवेज की टोटल लेंथ और उसका परसेंटेज और इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट ये भी याद रखना है कि रूरल रोड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा शेयर है इंडिया में रूरल रोड्स का मतलब जो गाँव के अंदर रोड्स हैं उसका सबसे ज्यादा शेयर है 72% परसेंट रोड्स या एप्रोक्सीमेटली 73% रोड्स इंडिया के अंदर रूरल रोड्स वो रूरल रोड्स को कौन मैनेज करता है पंचायतस एंड जो पीएमजीएसवाई स्कीम गवर्नमेंट की वो इसके थ्रू इनको मैनेज करते हैं इसके थ्रू डेवलप करते हैं और जो टोटल लेंथ है वो 62 लाख किलोमीटर है रोड्स की अब हम कुछ एसोसिएटेड ऑफिस की बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं इंपॉर्टेंट बॉडीज की बात करते हैं जो कि रोड ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है फर्स्ट इज़ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल हाईवेज जो होते हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है रोड ट्रांसपोर्ट उसके अंदर आती है नाउ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एच जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 में पास गया, किया गया था तो इसी के थ्रू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था ना ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये भी आपको याद रखना है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट अब सरफेस ट्रांसपोर्ट नहीं है उस टाइम पे सरफेस ट्रांसपोर्ट हुआ करता था आज ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आती है और ये

और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर आती है जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एन भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर आती है वैसे ही एन एच भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर आती है ये दोनों जो हैं चाहे एन हो या फिर एन हो इन दोनों का काम है हाईवेज़ को कंस्ट्रक्ट करना उनको अपग्रेड करना उनको वाइडन करना तो ये दोनों जो हैं ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज इन इंडिया लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखोगे कि जो एन है वो मेनली फोकस करती है किन पे जो ऐसी स्टेट्स पे जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो दोनों हाईवेज़ बनाती हैं एन और एन भी लेकिन एन जो है वो मेनली बनाती है रोड्स किन हाईवे uh, किन, किन ऐसी स्टे, स्टेट में जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है नेबरिंग कंट्रीज के साथ देन वी हैव द इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स आई एच आई एच ई तो आई ए एच ई ये एक सोसाइटी है जो कि नाइनटीन एटी थ्री में बनाई गई थी और इसका काम है हाईवे इंजीनियर्स को ट्रेन करना तो चाहे जूनियर स्केल के हों या फिर सीनियर स्केल के जो इंजीनियर्स हैं जो हाईवे इंजीनियर्स हैं गवर्नमेंट के उनको ट्रेन करने की जिम्मेदारी इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स की है देन वी हैव द इंडियन रोड कांग्रेस ये भी एक सोसाइटी है जो बनाई गई थी 1937 में और इसका काम होता है कि ये कॉन्फ्रेंस uh, करते हैं जिसमें डिस्कस करते हैं जो भी इशूज हैं रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन और मेंस और डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो जो भी इशूज हैं उनको आई डिस् करता है और आई में अराउंड सिक्सटी सिक्सटीन थाउजेंड मेम्बर्स हैं ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बट ये याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या है इसके मेम्बर्स जो हैं वो इंजीनियर्स हैं प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हैं या फिर डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशनस के इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक या ए के भी मम्बर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं तो इनका जो काम है वो यही है कि जो डिफरेंट इशूज़ हैं रिलेटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया उनको इन इश्यूज को ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देन वी हैव द BRO दैट्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये आपने सुनी सुनी होगी देखी होगी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में बनाया गया था और ये कैसे रोड्स बनाती हैं ये बनाती है ऐसे रोड्स जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब ऐसे रोड्स जिनकी जो डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर ऐसी लोकेशंस पर जो कि कंट्री की डिफेंस है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मतलब जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो रोड होंगे वो बी आर ओ बनाएगी ठीक है सो so ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है तो मोस्टली ये जो है ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जो कि ऊपर इंडिया के ऊपर वाली साइड जो बॉर्डर शेयर करती है इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ उसमें बी आर ओ रोड्स बनाती है अब एन एच आई डी सी एल और बी आर ओ का क्या डिफरेंस है बी आर ओ छोटी छोटी रोड्स भी बनाता है लेकिन जो एन एच आई डी सी एल वो मेनली हाईवेज बनाती है अब हम बात करते हैं पहले एक्सप्रेस वेज़ की तो हम वन बाय वन देखेंगे कि एक्सप्रेस वेज़ कैसे होते हैं क्या होते हैं इंडिया में कौन कौन से एक्सप्रेस वेज़ हैं फिर हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज़ की फिर स्टेट फिर रूरल रोड्स एंड सिटी रोड्स की तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस वेज़ की बात करते हैं अब एक्सप्रेस वेज़ क्या होते हैं एक्सप्रेस वेज़ भी हाईवेज़ की तरह ही होते हैं हाई स्पीड रोड्स होते हैं लेकिन डिफरेंस हाईवेज़ और एक्सप्रेस वेज़ में ये होता है कि हाईवे में यूजुअली आपको अगर हाईवे पे चढ़ना होगा हाईवे अगर आपको यूज़ करना होगा तो वहां पर आपको इंटरसक्शन मिलते हैं आप कहीं पे भी हाईवे में घुस सकते हो छोटी छोटी लिंक रोड्स होती हैं जो कि हाईवे के साथ कनेक्ट होती हैं ठीक है तो उन रोड्स के थ्रू आप उसमें घुस सकते हो लेकिन एक्सप्रेस जो होती हैं वो हाई स्पीड होती हैं उनमें यूजली फोर या सिक्स या एट लेन होती हैं उनमें घुसने के लिए एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म होता है मतलब उस रोड को यूज करने के लिए आपको बहुत कम वहां पे या और एंट्री पॉइंट्स मिलते मिलते हैं। हैं। इस तरह के आपको मिलते हैं। अगर आपको रैंप्स अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस वे है इस एक्सप्रेस वे को यूज करने के लिए आपको बीच में कोई सड़क इसके साथ ज्वाइन नहीं मिलेगी बल्कि आपको एक रैंप मिलेगा जैसे यहाँ पे एक रैंप बना हुआ है इस रैंप के ऊपर चढ़ के आप इसको एक्सेस कर सकते हो तो एक्सप्रेस और जो हाईवेज है उनमें डिफरेंस यही है कि जो एक्सप्रेस वेज होते हैं वो एक्सेस कंट्रोल्ड होते हैं उनमें एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म होता है उनमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स काम होते हैं और यूजुअली इस तरह के रैंप्स बने होते हैं जो कि उस एक्सप्रेस वे के एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स काम करते हैं तो एक्सप्रेस क्या होते हैं एक्सप्रेस वेज आर द हाई स्पीड रोड जो कि चार या चार से ज्यादा लेंस के बने होते हैं और ये एक्सेस कंट्रोल्ड होते हैं मतलब जहाँ पे एंट्री और एग्जिट के लिए रैंप्स का यूज किया जाता है अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में टोटल एक्सप्रेस वेज की लेंथ 2000 किलोमीटर के आसपास है सो टू थाउजेंड किलोमीटर के आसपास ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है देन अगर हम बात करें तो इंडिया बाई ट्वेंटी अपने एक्सप्रेस की लेंथ को एक्सपैंड करना चाहता है टू तो 18,637 थाउजेंड किलोमीटर्स अब यहाँ पे ये है कि जैसे हमने देखा था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नीचे एक बॉडी है जिसको कहते हैं नेशनल एक्सप्रेस वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि इंचार्ज होती है जो कि डिवेलप करती है बिल्ड करती है मेनटेन करती है एक्सप्रेस को इंडिया में सो एन ई ए आई इज नेशनल एक्सप्रेस वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम स्पीड की जो हाई एक्सप्रेस वे चलाने की होती है सो so, जो कार्स होते हैं या फोर व्हीलर्स होते हैं एक्सप्रेस वे पेबो वन ट्वेंटी आवर की स्पीड मैक्सिमम जा सकते हैं वैसे अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो वो एटी किलोमीटर तक जा सकते हैं अभी हम देखेंगे हाईवे के लिए अलग लिमिट होता है हाईवे के लिए हंड्रेड किलोमीटर्स एंड एटी किलोमीटर्स होता है एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो फर्स्ट एट लेन एक्सेस कंट्रोल या एट लेन एक्सप्रेस जो इंडिया का पहला था वो था दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे जिसे डीएनडी फ्लाईवे भी कहते हैं तो दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला एट लेन एक्सप्रेसवे था जिसको 2001 में स्टार्ट किया गया तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे यह दिल्ली है और यहाँ पे नोएडा है उत्तर प्रदेश में सो तो दिल्ली नोएडा को कनेक्ट करती थी डीएनडी एन दैट इज दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाई जो कि एक एक्सप्रेस थी एट लेन एक्सप्रेस थी एंड देन उसके बाद बनाई गई इंडिया की फर्स्ट सिक्स लेन टोल्ड एक्सप्रेस वे जो कि मुंबई और पुणे को कनेक्ट करती थी तो यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई है यहाँ पे पुणे है इन दो को कनेक्ट करती थी इंडिया की पहली सिक्स टोल्ड एक्सप्रेस वे उसके बाद अगर हम इंडिया के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे या लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे की बात करें तो वो अभी बन रही है जो कनेक्ट करेगी दिल्ली को मुंबई से थ्रो द लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे थ्रो इंडी इट विल बी आई थिंक ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे होगी ये 1350 किलोमीटर की होगी ये अभी बन रही है इट विल कनेक्ट दिल्ली एंड मुंबई लार्जेस्ट अगर हम आज के डेट की बात करें इंडिया की आज की जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है दैट इज पूर्वांचल ये आपको याद रखनी है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वो उत्तर प्रदेश में है और वो कनेक्ट करती है यहाँ पे गाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर को लखनऊ के साथ कनेक्ट करती है सो so, लखनऊ एंड गाजीपुर को कनेक्ट करती है यहाँ लखनऊ से लेके गाजीपुर है सो so, लखनऊ और गाजीपुर को कनेक्ट करती है पूर्वांचल एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेस इंडिया की आज के डेट की सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस है ये इंपॉर्टेंट है आप याद

चेन्नई पोर्ट मद्रा वोयाल एलिटेड एक्सप्रेस वे वो है लॉन्गेस्ट एलिवेटेड फ्री वे इंडिया की अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो एक्सप्रेस वेज थे लेकिन जैसे हाईवेज होते हैं और फिर कुछ हाईवेज जो होते हैं वो नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे ही कुछ एक्सप्रेस वेज जो है वो नेशनल एक्सप्रेस वेज हैं इंडिया में टोटल एट एक्सप्रेस वेज हैं जिन्हें एनी वन मतलब नेशनल एक्सप्रेस वे, वे वन एनी टू एनी थ्री एनी फोर एनी फाइव नी फाइव सिक्स और एनी सेवन के नामों से जाना जाता है तो याद रखोगे वडोड्रामदाबाद और वडोड्रा दोनों गुजरात में है तो अहमदाबाद से लेकर वडोदरा तक जो एक्सप्रेस वे है नाइनटी थ्री किलोमीटर का था इसको किया गया एज द फर्स्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया का पहला एक्सप्रेस वे नेशनल तो एक्सप्रेस वे नॉर्थ एक्सप्रेस वे ईस्टर्न पेरेफरल एक्सप्रेस वे इसको के जी पी भी कहते हैं के जीपी के से कुली है जी से गाजियाबाद एंड पी से पलवाल है सो so, ये हरियाणा में पलवाल है और कुंडली जो है यूपी में है तो ये कनेक्ट करती है हरियाणा और यूपी को दैट इज द ईस्टर्न Peripheral एक्सप्रेस वे इसको एनी टू कहते हैं और ये आज की लॉन्गेस्ट नेशनल एक्सप्रेस वे है Now, यहां पे अभी हमने देखा लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे इंडिया की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है जो उत्तर प्रदेश में है लेकिन लॉन्गेस्ट नेशनल एक्सप्रेस वे दैट इज द ईस्टर्न Expressway एक्सप्रेस वे जो कि है उत्तर प्रदेश और हरियाणा को कनेक्ट करती है और ये 135 किलोमीटर की लेंथ की है अब आप आपको लेंथ याद नहीं रखनी है बस आप ये याद रख सकते हो कि फर्स्ट एक्सप्रेस वे नेशनल एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया दैट इज अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे में इसको डिक्लेयर किया गया था इसके बाद ईस्टर्न परिफल एक्सप्रेस वे ये याद रखोगे आप कि ये हरियाणा और यूपी को कनेक्ट करती है ये आज की डेट की इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल एक्सप्रेस है इसके बाद एनी थ्री इंपॉर्टेंट है एनी थ्री दिल्ली से लेकर मेरठ तक है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वे मीरठ उत्तर प्रदेश में है सो दिल्ली यूपी को कनेक्ट करती है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इसको एनी थ्री कहते हैं और ये वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया की इंडिया की सबसे चौड़ी एक्सप्रेस जो है इसकी इसमें फोर्टीन लेन है तो फोर्टीन लेन एक्सप्रेस है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे द वाइडेस्ट एक्सप्रेस इन इंडिया इसको एनी के नाम से जानते हैं देन वी हैव जो है ये जो दिल्ली से मुंबई की एक्सप्रेस वे होगी जो मैंने अभी बताया जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे होगी उसका जो वडोदरा से लेकर मुंबई से लेकर जो वडोदरा तक जो सेक्शन होगा उसको एन ई फोर कहते हैं उसके बाद और एक एक्सप्रेस वे है जो अभी बन रही है जो बनेगी दिल्ली से लेकर कटरा तक तो सो डेली टू कटरा एक नेशनल एक्सप्रेस वे बन रही है उसका जो दिल्ली से लेकर गुरदासपुर गुरदासपुर पंजाब का से जो सेक्शन है उसको एन फाइव कहा गया और फिर नकोदर से लेकर अमृतसर तक जो उसका सेक्शन है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का उसको एनी फाइव ए कहा जाएगा और जो जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है उसको एनी सिक्स कहा जाएगा और जो सबसे रीसेंट है फर्स्ट जनवरी 2021 को डिक्लेयर किया गया बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे को एज द एक्सप्रेस एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया जो कि बनी एनी अब इसमें क्या क्या आपको याद रखना है आपको याद रखना है अहमदाबाद वडोड्रा एक्सप्रेस वे इज द ओल्डेस्ट एक्सप्रेस ऑफ इंडिया और द फर्स्ट एक्सप्रेस ऑफ इंडिया ईस्टर्न परिफरल एक्सप्रेस ये आपको याद रखना है ये हरियाणा और यूपी को कनेक्ट करती है और आज इंडिया की लॉन्गेस्ट नेशनल एक्सप्रेस है दिल्ली मीरठ एक्सप्रेस वे आपको याद रखना है कि ये वे है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये आप याद रखोगे कि जो रीसेंट है फर्स्ट जनवरीयर किया गया एज नेशनल एक्सप्रेस वो थी बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस Now, ये टोटल एट एक्सप्रेस वेज है इसको आप देख सकते हो इसको आप याद रख सकते हो अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की ना व्हाट एग्जैक्टली आर नेशनल हाईवेज नेशनल हाईवे ऐसे हाईवेज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं मेजर सिटीज को थ्रू आउट कंट्री तो बेसिकली जो इंटर स्टेट रोड होती हैं जो यूजली जो डिफरेंट स्टेट की कैपिटल्स को या डिफरेंट स्टेट स्टेट्स की मेजर सिटीज को कनेक्ट करते हैं वो यही नेशनल हाईवेज होते हैं नेशनल हाईवेज को कौन बनाता है इसको डेवलपमेंट मेंटेनेंस का काम जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारेशन लिमिटेड एन एच उसको दिया गया है और एन एच जो है हमने अभी पढ़ा कि ये जो है जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनमें हाईवेज डेवलप करती है नौ अगर हम बात करें कि इसकी फंडिंग कहाँ से आती है मोस्टली जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सेस जो टैक्स लगता है पेट्रोल के ऊपर या हाई स्पीड डीजल के ऊपर जो सेस लगता है उस से फंडिंग होती है हाईवे डेवलपमेंट के लिए तो जो हाईवे बनाया जाता है उसके लिए पैसा कहाँ से आता है जो पेट्रोल के ऊपर सेस लगता है और जो हाई स्पीड डीजल के ऊपर जो सेस लगता है वो हाईवे बनाने के लिए यूज किया जाता है इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में एक सेंट्रल रोड फंड होता है एक अलग से गवर्नमेंट एक फंड रखती है जिसे सेंट्रल रोड फंड कहते हैं उसी से नेशनल हाईवेज का पैसा आता है टोटल इंडिया में अराउंड 600 से ज्यादा नेशनल हाईवेज है जो छोटे बड़े अगर हम देखेंगे सो टोटल सिक्स से ऊपर हाईवेज है नेशनल हाईवेज है इंडिया के अंदर टोटल लेंथ अभी हमने देखा इट्स वन या फाइव वन या फिर लैख के आसपास टोटल लेंथ है नेशनल हाईवेज की जो कि टोटल लेंथ का टू है मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करें तो टू व्हीलर्स जो होते हैं उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक हो आप रख सकते हो अगर हम मैक्सिमम स्पीड कार्स की या फोर व्हीलर्स की करें तो वो 100 किलोमीटर तक रख सकते हो वही अगर हम एक्सप्रेस वेज के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे 120 ट्वेंटी किलोमीटर्स तक भी फोर व्हीलर्स की स्पीड अलाउड है हाइस्ट लेंथ ऑफ हाईवेज की अगर आप बात करें तो स्टेट हाईवेज सबसे ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र में है वैसे ही जो नेशनल हाईवेज है नेशनल हाईवेज भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ रोड्स है सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज है सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज है तो तीनों जो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है वैसे ही अगर हम देखें तो परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो हाईवेज जो होते हैं नेशनल हाईवेज वो डबल लेन भी हैं कहीं पे सिंगल लेन भी हैं और कहीं पे फोर लेन सिक्स लेन या फिर एट लेन भी है लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो डबल लेन है अराउंड फिफ्टी फाइव परसेंट है तो ये आप याद रख सकते हैं अब हम वन बाई वन देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है इंडिया के अंदर उनको हम देखने की कोशिश करेंगे विल स्टार्ट विद एन एच वन एन वन आपको पता होगा कि जो एन वन बेसिकली जो इंडिया के अंदर नेशनल हाईवेज की नंबरिंग है उनको एन फिर आगे जाके एक नंबर दिया जाता है और इस नंबरिंग को जो है इसको रिफॉर्मेट किया गया था रिसेंटली आई थिंक अराउंड ट्वेंटी में इसको एक दूसरी तरह से किया गया था तो अब जो नई नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि डिफरेंट जो है नेशनल हाईवेज इंडिया के अंदर उनको क्या नाम दिया गया है विल स्टार्ट विद एन एच वन जो एनएच वन है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करता है बेसिकली तो जो इंडिया अगर मैप की बात करें तो मैप के अंदर अगर आप देखोगे एन एच वन जो है हा जो श्रीनगर है और उस कन, उसको कनेक्ट करता है लेह के साथ सो so, श्रीनगर लेह हाईवे जो है दैट इज योअर नेशनल हाईवे वन आई थिंक ये ऊरी से आता है उरी से श्रीनगर एंड देन टू लद्दाख so, सो श्रीनगर लेह हाईवे जो आज आप देखते हो दैट इज योर एन एच वन सो एन एच वन कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख के साथ तो so, सेकेंड हम देखेंगे एन एच थ्री सो एन एच थ्री जो है ये पंजाब हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करता है नाउ पंजाब में ये यहाँ अमृतसर के आसपास अराउंड स्टार्ट होता है एंड देन ये फिर हिमाचल प्रदेश के थ्रू मनाली से होते हुए लेह तक जाता है तो जो आपका मनाली लेह हाईवे है हिमाचल प्रदेश के थ्रू अगर आप लेह जाओगे तो मनाली हाईवे के थ्रू जाते हैं जो मनाली लेह हाईवे है वो आपका एन है सो एन इज द पंजाब हिमाचल प्रदेश लद्दाख के थ्रू जाता है एंड दिस इज योर मनाली लेह नेशनल हाईवे उसके बाद एन है एन एच फाइव भी पंजाब से स्टार्ट होता है लेकिन ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी यहाँ पे छोटी सी यूनियन टेरिटरी है उसके थ्रू जाती है फिर हरियाणा में एंटर होती है और फिर हिमाचल प्रदेश में ख़त्म होती है सो एन एच फाइव स्टार्ट्स फ्राम पंजाब देन चंडीगढ़ यू टी फिर हरियाणा और फिर जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर ये डोमिनेट होता है देन वी हैव एन एच सेवन एन एच सेवन भी पंजाब से स्टार्ट होता है चंडीगढ़ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तो जैसे एन एच फाइव था सेम स्टेट्स के थ्रू ये जाता है सेम स्टेट्स के थ्रू जाता है लेकिन फिर ये

उसके बाद एन एच नाइन एन एच नाइन भी पंजाब से स्टार्ट होता है हरियाणा में जाता है पंजाब हरियाणा हरियाणा से दिल्ली यूटी है अगर आप यहाँ देखोगे दिस इज योर दिल्ली यूटी ये छोटा सा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सो हरियाणा पंजाब से होते हुए पंजाब हरियाणा से होते हुए दिल्ली और दिल्ली से फिर यूपी और यूपी से फिर ये जाता है उत्तराखंड में तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि पंजाब से यहाँ पे वन टू थ्री एंड फोर हाईवे स्टार्ट होते हैं ये चार हाईवेज हैं एन एच थ्री फाइव सेवन एंड नाइन और उनमें से एक जाता है ले या कारगिल या लद्दाख एक जाता है उत्तराखंड और दो जो एक जाता है हिमाचल प्रदेश तक और दो जो है वो उत्तराखंड तक जाते हैं वी एन एच इलेवन जो है वो सारा का सारा जो है वो है आ, राजस्थान के अंदर आई थिंक जैसलमेर और जोधपुर को कनेक्ट करता है Then we have NH19. NH19 दिल्ली से निकलता है दिल्ली से फिर हरियाणा हरियाणा से यूपी यूपी बिहार बिहार से झारखंड झारखंड से ये वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है सो so, दिल्ली और कोलकाता को कनेक्ट करता है एन एच नाइनटीन सो दिल्ली से कोलकाता तक है आपका एन एच नाइनटीन इससे आगे अगर आप देखोगे एन एच ट्वेंटी वन है आपका दैट्स राजस्थान और यूपी को कनेक्ट करता है तो एनएच ट्वेंटी वन जो है वो यहाँ राजस्थान से स्टार्ट होता है और यूपी तक जाता है एनएस ट्वेंटी एन एच ट्वेंटी सेवन ये इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखोगे गुजरात से निकलता है यहाँ पे पोरबंदर पोर्ट से निकलता है फिर राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल और यहाँ पे अगर आपको आइडिया होगा थोड़ा सा अगर सुना होगा आपने तो यहाँ पे ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं चिकन स्नैक तो इस चिकन स्नैक के थ्रू ये जाती है और आगे आसाम में एंटर होती है और आसाम में एक जगह है जिसे हम सिल्चर कहते हैं सिल्चर तक जाती है ये जो है एन एच ट्वेंटी सेवन ये सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया की जो कि गुजरात के पोरबंदर से निकलती है और असम के सिलचर तक जाती है इसको हम इस हाईवे को हम ये चूंकि वेस्ट से ईस्ट तक आती है तो इसको हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहते हैं तो एन एच ट्वेंटी सेवन इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखोगे इसके बाद एनएच फिफ्टी थ्री जो कि गुजरात से निकलती है गुजरात यहाँ से निकलती है फिर महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भुवनेश्वर तक जाती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं तो इनको आपको याद रखना है अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी ये सारे हाईवेज जो मैंने बात की ये सारे के सारे जो है ये ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाते हैं और इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखी होगी कि ये सारे के सारे जो हाईवेज हैं इनकी नंबरिंग में ऑड नंबर्स है ये इसके पीछे क्या लॉजिक है ये हम अभी आगे देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे एन अब NH2 टू जो है ये इवन नंबर का हाईवे है और ये जो है ये जाएगा नॉर्थ टू साउथ ऊपर से नीचे आएगा कहां से ये यहाँ असम से निकलता है फिर नागालैंड और मनी मिजोरम और मणिपुर में जाता है तो असम नागालैंड मणिपुर एंड मिजोरम में जाता है ठीक है तो दिस इज एन एच टू देव एन एच फोर एन एच फोर जो है वो अंडमन एंड निकोबर आइलैंड्स में ये इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखोगे दैट द नेशनल हाईवे एनएच फोर जो है वो अंडमन एंड निकोबर आइलैंड में है ऐसे ही अगर हम एन एच सिक्स की बात करें तो एन एच सिक्स भी यहीं पे नॉर्थ टू साउथ ही जाता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है ये मेघालय असम और मिजोरम में है देन वी हैव एन एच एट ये असम और त्रिपुरा के बीच में है सो so, यहाँ पे आप छोटी सी हाईवे देख सकते हो असम एंड त्रिपुरा के बीच एन एच टेन एन एच टेन जो है यहां पे है ये असम और सॉरी सिक्किम और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करती है आई थिंक आई हैव मार्क्ड इट रॉन्ग इट शुड हैव बीन फ्रॉम हियर तो ये यहां सिक्किम ये सिक्किम है सिक्किम से नीचे वेस्ट बंगाल की तरफ है तो ये इस तरह से होनी चाहिए वो है बिहार झारखंड और उड़ीसा को कनेक्ट करती है उसके बाद है एन एच फोर्टी फोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया जो कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है फिर आगे हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी एमपी महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र एंड कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है तो श्रीनगर टू कन्याकुमारी और कश्मीर टू कन्याकुमारी जो हाईवे जाती है दैट इज एन एच फोर्टी फोर एंड इट्स द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया और इसकी जो लेंथ है वो थर्टी सेवन हंड्रेड किलोमीटर्स के आसपास है समवेयर यू विल आल्सो फाइंड इट फोर थाउजेंड किलोमीटर्स बट ऑफिशियल इट्स थर्टी सेवन हंड्रेड किलोमीटर्स ये आप याद रखोगे ये ये भी important है जो है है जो दिल्ली दिल्ली से निकलती है, फिर हरियाणा राजस्थान आगे फिर गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु तक ये ये भी जाती है। तो ये कुछ important highways है, आप इनको फिर से देख सकते हो यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट अगर आपको सारे भूल जाएंगे यू शुड नो एन एच वन यू शुड नो एन एच टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन यहाँ तक और टेन तक आपको याद होनी चाहिए उसके इंपॉर्टेंट अलावा है ट्वेंटी सेवन फोर्टी फोर एंड फिफ्टी तो ये आपको याद होनी ही होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन क्यों क्यों इनमें से पूछा जा सकता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन वन जो है वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करता है और उसी से स्टार्ट होता है और फिर कौन कौन सी सिटीज के थ्रू ये जाता है ऐसे ही सारी हाईवेज़ के लिए लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हो उतना ज़रूरी है नहीं बट अगर आप चाहो तो ये चीज़ आप सकते हो हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है इंडिया का वो एन है जो कि स्टार्ट होता है श्रीनगर से टो कन्याकुमारी जो हमने अभी देखा इसको हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है बेसिकली उसमें यहाँ पे और एक हाईवे भी आती है लेकिन मेजर पार्ट जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का है वो एन एच ही है अगर हम वैसे ही अभी हमने देखा जो एन एच ट्वेंटी सेवन है जो यहाँ गुजरात से सिलचर तक जाती है उसको हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं शॉर्टेस्ट हाईवे जो इंडिया की है वो है नेशनल हाईवे थ्री ट्वेंटी सेवन बी जो है वो वन पॉइंट की है और वो वेस्ट बंगाल के अंदर है यहाँ पे नेपाल बॉर्डर पे है यहाँ पे ये छोटी सी हाईवे जो आपको दिख रही है दिस इज एन एच थ्री ट्वेंटी सेवन बी जो वन पॉइंट टू किलोमीटर्स की है और ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया की एन एच फोर्टी फोर एंड एन एच ट्वेंटी सेवन जो है जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये दो जो हैं ये एक दूसरे को जो है कट करती है एट झांसी झांसी उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे ये एम में आया है लेकिन बेसिकली ये झांसी में कनेक्ट करती है झांसी उत्तर प्रदेश में आता है सो so याद रखना है कि एन एच फोर्टी फोर और एन एच ट्वेंटी सेवन झांसी उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को कट करते हैं लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप आइलैंड जो यहाँ पे है उनमें कोई नेशनल हाईवे नहीं है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र हैज द हाइस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज़ इन द कंट्री नेशनल हाईवेज़ की नंबरिंग की अगर बात करें तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखोगे कि जो नॉर्थ लेके साउथ तक हाईवेज आती हैं उनको हम इवन नंबर देते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हाईवे जो है इसको हमने एन एच टू कहा था इसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हाईवे जो है इसको एन एच ट्वेंटी कहा है यहाँ पे जो यहाँ से आते हैं उसको एन एच फोर्टी फोर कहा है यहाँ से लेके यहाँ जो आती है उसको एन एच सिक्सटी सिक्स कहते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ जो ऊपर से नीचे की तरफ जो भी हाईवेज हैं उनको इवन नंबर दिया जाता है और जो ईस्ट टू वेस्ट मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो भी हाईवेज हैं उनको ऑड नंबर दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल ये एन वन है ऊपर आपको श्रीनगर टू लह जाती है देन नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो नॉर्थ जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है एन एच है वैसे ही अगर ये वाली हाईवे देखोगे ये एन एच है तो इस तरह से आपको आइडिया आ गया होगा कि जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक आते हैं उनको हम इवन नंबर देते हैं और जो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं उनको हम देते हैं और नंबर्स देन जो भी हाईवेज है उनका जो नंबरिंग है वो एन करके होता है और फिर आगे एक नंबर होता है वो सिंगल डिजिट भी हो सकता है लाइक like इसका वन है और वो टू डिजिट भी हो सकता है लाइक ये ट्वेंटी सेवन है उसके बाद अगर हम नॉर्थ साउथ जो हाईवेज है नॉर्थ साउथ हाईवेज मतलब ये वाले जो नॉर्थ से ऊपर से नीचे की तरफ जो आते हैं उनकी नंबरिंग जो है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मतलब जो नॉर्थ साउथ हाईवेज़ है जो ऊपर से नीचे की तरफ जो हाईवेज आ रहे हैं जो ग्रीन कलर के हाईवेज यहाँ पे हैं उनका नंबर स्टार्ट होता है यहाँ से और वो इंक्रीज होता जाता है जैसे आप आगे जाते हो फॉर एग्जाम्पल एन एच टू है फिर एन एच फोर है वो इसके बाद है एन एच सिक्स इसके बाद एन एच एट इस तरह से एन एच ट्वेंटी ट्वेंटी वन सॉरी ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स ऐसे करते हुए एन एच फोर्टी फोर ऐसे करते हुए एन एच फिफ्टी सिक्स ऐसे करते हुए एन एच सिक्सटी सिक्स तक है ठीक है तो ये याद रखना है कि जो नॉर्थ टू साउथ हाईवेज़ है उनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वैसे ही अगर आपने जो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं जो रेड कलर से मार्क किए हुए हैं उनकी नंबरिंग स्टार्ट होती है नॉर्थ से और वो इंक्रीज होती है नीचे की तरफ जैसे ये एन एच वन है फिर ऐसे ही यहाँ पे एन एच थ्री था फाइव था सेवन था ट्वेंटी सेवन है फिफ्टी सेवन है ऐसे करते हुए नीचे की तरफ इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता है आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है देन यहाँ पे कहीं पे ही पे आपने देखा होगा कि थ्री डिजिट का भी होता है लाइक like, रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो नए हाईवेज बन रहे हैं उनमें एन एच फोर 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 है ट्रिपल फोर है या एन एच वन फोर फोर है टू फोर फोर है थ्री फोर फोर है ये क्या है बेसिकली जहाँ पे भी आप थ्री डिजिट का हाईवे देखोगे आपको याद रखना है कि जो लास्ट के दो दो डिजिट हैं लाइक like, यहाँ पे फोर्टी फोर है तो ये बेस जो ये जो है ये मेन हाईवे है ये एन एच फोर्टी फोर है ठीक है इसका एक छोटा सा हिस्सा है या इसकी एक ब्रांच है जिसको रखा गया नाम एनएच वन फोर फोर ऐसे ही एन एच टू फोर फोर जो है ये भी फोर्टी फोर हाईवे एन एच फोर फोर का ही हिस्सा है और उसका दूस, दूसरी ब्रांच है तो याद रखना है कि जहां पे थ्री डिजिट्स होंगे वहां पे जो पहला डिजिट होगा वो एक ब्रांच होती है और जो उसके बाद वाले जो होंगे वो है मेन हाईवे जो होगा और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फर्स्ट डिजिट है अगर फर्स्ट डिजिट ऑड होगा फॉर एग्जाम्पल यहां पर एनएच वन फोर फोर है अगर एन एच वन फोर फोर है मतलब फर्स्ट डिजिट ऑड है तो ये जो है ये ईस्ट टू वेस्ट जाएगी मतलब जो एन एच फोर फोर है वो किस तरह से होगी वो इस तरह से होगी ईस्ट टू वेस्ट क्योंकि जो ऑड हमने देखा था जो ऑड नंबर के होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं सेम जो जो ईस्ट टू वेस्ट जो हमने देखा था जो मेन हाईवेज होते हैं उनका भी ऑड नंबर होता है और अगर ब्रांच होगी तो उनका पहला डिजिट अगर ऑड होगा फॉर एग्जाम्पल अगर तो NH144 है NH144 जो है वो जम्मू को पूंछ से कनेक्ट करती है तो वो इस तरह से ईस्ट टू तो वेस्ट है इस तरह से हॉरिजॉन्टल है वैसे ही अगर NH244 की बात करोगे वो कुछ इस तरह से होगा वो वर्टिकल होगा मतलब वो नॉर्थ टू तो साउथ होगा क्योंकि उसका फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है जो कि इवन है आई होप आपको ये समझ आ रहा है देन एन एच फोर फोर जो है ये आपको पता होगा इसको हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहते हैं और फॉर एग्जांपल एन एच वन फोर फोर जो है वो इसकी एक ब्रांच है एन एच वन फोर फोर इसी की ब्रांच है जो कि ऊपर नॉर्थ में होगी और एन एच नाइन फोर फोर ये भी इसी की ब्रांच होगी ये नाइन है पहले मतलब ये भी नॉर्थ टू साउथ होगी लेकिन नाइन फोर फोर नीचे होगी एन एच वन फोर फोर ऊपर है एन एच नाइन फोर फोर नीचे तमिलनाडु में है आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं बस बेसिक याद रखना है कि ऊपर से नीचे इंक्रीज़ होता है यहाँ ईस्ट टू वेस्ट इंक्रीज होता है

टेंट हाईवेक्ट्स अब कुछ इंपॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट रहे हैं इंडिया के अंदर फर्स्ट इज द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एनएचडीपी याद रखोगे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा है इंडिया के अंदर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एनएचडीपी जो है इसको एन एच डी पी को जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था हाईवे को जो मेजर हाईवेज हैं इंडिया के उनको अपग्रेड करने के लिए और उनको रिहेबिलिटेट या फिर वाइडन करने के लिए तो बेसिकली जो हाईवे उनको वाइडन उनको करने के लिए उनको इंप्रूव करने के लिए NHDP लॉन्च किया गया था इसको 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने लॉन्च किया था एंड यहां पे इस प्रोजेक्ट को मैनेज करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर एनएचडीपी जो है ये अराउंड उजेंड किलोमीटर ऑफ रोड्स के ऊपर काम करती है ठीक है सो एन बेसिकली आज ये प्रोजेक्ट नहीं चलता है ये टू में जो है ये प्रोजेक्ट खत्म किया गया था तो इसनेटी नाइन थाउजेंड किलोमीटर के रोड्स के ऊपर नेशनल हाईवे के ऊपर काम किया था तो यहाँ पे एक चीज है कि एन को 2018 में खत्म किया गया था और वहां पे 2018 में गवर्नमेंट ने और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसको प्रोजेक्ट भारतमाला के नाम से जाना जाता है तो so, प्रोजेक्ट भारत माल भारत माला जो है उसने सब्ज्यूम किया था एनएचडीपी को मतलब एनएचडीपी के जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे उनको लिया गया भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर तो भारत माला प्रोजेक्ट एक, नया प्रोजेक्ट था जिसको 2018 में लॉन्च किया गया और जो एनएचडीपी के अंदर जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे उनको भारत के अंदर सब्ज्यूम किया गया और एन जो है उसको टू में ही खत्म किया गया एन के टोटल सिक्स फेजेज थे फर्स्ट फेज में गोल्डन क्वाड्रलेटरल बनाया गया गोल्डन क्वाड्रलेटरल क्या है बेसिकली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता उनको कनेक्ट करने के लिए हाईवे बनाए गए या रोड्स बनाए गए उस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रलेटरल तो वो गोल्डन क्वाड्रलेटरल जो है वो फेज 1 के अंदर बनाया गया था इसी एनएचडीपी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर पहले फेज में गोल्डन कॉडर को बनाया गया और वो 2012 में कंप्लीट किया गया। फेज सेकंड में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को बनाया गया बेसिकली जो फेज सेकंड था उसमें बताया गया कि हम नॉर्थ टू साउथ मतलब जो एन एच आज आपका है नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक हाईवे बनेगा जो कि कनेक्ट करेगा नॉर्थ टू साउथ ठीक है वैसे ही ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो हमने देखा था एन एच ट्वेंटी सेवन जो पोरबंदर से गुजरात तक गुजरात पोरबंदर से सिलचर आसम तक जाता है वो एक रोड बनेगी तो ये दो कॉरिडोर है, जो हैं इनको एनएच फेज जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके फेज टू में इंट्रोड्यूस किया गया अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है अभी इसमें बहुत कुछ किलोमीटर्स पे अभी भी काम हो रहे हैं लेकिन इंट्रोड्यूस इसको किया गया था फेज टू के अंदर तो आज अराउंड नाइन्टी परसेंट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कंप्लीट किया गया है फेज थ्री जो है इसमें बेसिकली इन्होंने और कुछ हाईवेज को जो है उनको वाइडन करने के लिए उनको या फिर उनको डेवलप करने के लिए यहां पे फंड्स जो है वो रिलीज किए थे और वहां पे प्लान बनाया था फेज फोर के अंदर और बीस हज़ार किलोमीटर्स को के ऊपर जो है उनकी वाइडनिंग को डेवलपमेंट की गई वैसे ही फेज फाइव के अंदर और फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स को फोर लेन रोड्स बनाया गया वैसे ही बनाने का प्रपोजल दिया गया वैसे ही फेज सिक्स के अंदर एक हजार किलोमीटर के एक्सप्रेस वेज को जो है इसके अंदर डेवलप कर, करने के लिए बोला गया तो यहां पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एन के फेज वन में गोल्डन कॉर्डर लेटर को बनाया गया फेज टू में नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को तो ये दो आपको पता होनी चाहिए बाकी अगर आप भूल भी जाओगे कोई बात नहीं है जो फेज सेवन है फेज सेवन में इंप्रूवमेंट जो सिटी रोड्स हैं उनको इंप्रूव किया गया तो बेसिकली याद रखना है टोटल सेवन फेजेस हैं ठीक है अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे ग्रिड की तो नेशनल हाईवे ग्रिड क्या है बेसिकली जो अभी हमने देखा कि नेशनल हाईवे ग्रिड जो है वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मतलब जो ऊपर से लेकर नीचे तक कश्मीर टू कन्याकुमारी जो हाईवे एनएच फोर्टी जाती है उसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो यहाँ पोरबंदर एनएच ट्वेंटी है पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक दैट्स से एन एच और जो गोल्डन क्वारर ले है इन चारों को हम बोलते हैं नेशनल हाईवे ग्रिड तो ये एक हाईवे का बना हुआ एक ग्रिड मान सकते हो जिसमें एक तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर

यहाँ पे कोलकाता है तो इन चार को कनेक्ट करने के लिए एक हाईवे बनाया गया या रोड्स बनाई गई जिसको हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा क्यों क्योंकि यहाँ पे एक फोर साइडेड फिगर बनती है तो यहां से दिल्ली से मुंबई और मुंबई से यहाँ चेन्नई तक ये जो हाईवे है ये एन एच फोर्टी एट है जो हमने अभी देखा था कि दिल्ली से चेन्नई तक जो हाईवे आती है दिल्ली बाया मुंबई इसको एन एच फोर्टी एट कहा गया आज इसको एन एच फोर्टी एट कहते हैं और जो फिर चेन्नई से लेके यहाँ कोलकाता तक जो हाईवे है वो एन एच सिक्सटीन है वैसे ही कोलकाता से लेके आगरा तक जो हाईवे है वो है एन एच नाइनटीन और फिर आगे आगरा से लेके दिल्ली तक ये जो इसका पार्ट है वो एन एच फोर्टी फोर है तो बेसिकली जो आपका गोल्डन क्वारर लेटल है आज उसमें एन एच फोर्टी एट आते हैं एनएच सिक्सटीन आते हैं एन एच नाइनटीन आते हैं और एन एच फोर्टी फोर का एक छोटा सा पार्ट आता है ये आपका गोल्डन क्वारर लेटल प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे इंडिया के अंदर चार नेशनल कॉरिडोर्स हैं। फोर है एक तो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है जो कि है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वो सेकंड कॉरिडोर माना जाता है नेशनल कॉरिडोर माना जाता है और जो गोल्डन कॉडिलेटर है उसके चार कॉरिडोर माने जाते हैं ये एक कॉरिडोर है मतलब दिल्ली से लेके जो मुंबई तक का ये सेक्शन है इसको नेशनल कॉरिडोर थ्री मान सकते हो आप ऐसे ही चौथा नेशनल कॉरिडोर जो है वो मुंबई टू तो चेन्नई है चेन्नई टू कोलकाता ऐसे ही कोलकाता तो जो दिल्ली है ये आपका सिक्स नेशनल कॉरिडोर है ठीक है तो ये आप याद रखोगे चार गोल्डन कॉर्डलेटर में है और दो है नेशनल नॉर्थ टू तो साउथ एंड ईस्ट टू तो वेस्ट कॉरिडोर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको हम भारतमाला प्रोजेक्ट कहते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट जो है इसकी टैग लाइन है कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर ठीक है तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो टू थाउजेंड में जो एन था एनएचडीपी को खत्म किया गया और नया एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम था भारतमाला भारतमाला में क्या है कि भारतमाला में एक हाईवे बनाए जाएंगे हाईवेज बनाए जाएंगे जो कि कनेक्ट करेंगे बॉर्डरिंग स्टेट को मतलब ऊपर जो है गुजरात में यहाँ पे बॉर्डर है तो गुजरात फिर यहाँ राजस्थान ऊपर पंजाब जम्मू एंड कश्मीर ऊपर फिर हिमाचल उत्तराखंड लद्दाख ऐसे होते हुए उ, यूपी बिहार इस तरह से वो कनेक्ट करेंगे जो भी लैंड फ्रंटियर्स हैं जो भी बॉर्डर्स हैं उनको कनेक्ट करेगी ये हाईवेज ये बनाए जाएंगे अंडर द भारतमाला प्रोजेक्ट आई होप ये आपको समझ आ रहा है इसके अलावा फिर इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा यहां पे इसको मुंबई के साथ कनेक्ट किया गया जाएगा और यहां पर इसको कनेक्ट किया जाएगा कोलकाता के साथ तो बेसिकली यहां पर ये यह पोर्ट के साथ कनेक्ट होगा यहां वैसे ही यहां पर भी ये पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये एक गार्लैंड की तरह बनता है एक माला की तरह बनता है इंडिया के ऊपर जैसे एक माला चढ़ी हुई है इसी वजह से इसको भारत माला प्रोजेक्ट कहते हैं तो भारत माला प्रोजेक्ट क्या है ये एक रोड प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट करेगा जो लैंड जो लैंड फ्रंटेयर स्टेट्स हैं उनके अंदर जो मेन सिटीज हैं जो कि बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके अंदर जो मेन सिटीज है उनको कनेक्ट करेगा सो so, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है इसको इंडिया गार्लैंड प्रोजेक्ट भी कह सकते हो गार्लैंड हम कहते हैं माला को इंग्लिश के अंदर तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर आती है जिसको गवर्नमेंट uh, ने टू में अनाउंस किया गया था तो इसमें अराउंड uh, जो हाईवेज uh, बनाए जाएंगे वो अराउंड फिफ्टी थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स के बनाए जाएंगे तो वो गुजरात से लेके मिजोरम तक बनेंगे तो यहाँ पे इसको फिर आगे एक्सटेंड भी किया जाएगा बेसिकली जो कोस्टल स्टेट्स हैं मतलब गुजरात से फिर महाराष्ट्र मतलब मुंबई तक इसको कनेक्ट किया जाएगा और जो हमने देखा था वहाँ ऊपर वेस्ट बंगाल के पोर्ट तक भी इसको कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे भारतमाला फेज़ वन में लाख करोड़ रुपीस का एस्टिमेट दिया गया था और आज की डेट में अब पहले उसको एस्टिमेशन जो था वो फाइव पॉइंट थ्री फाइव लैख किलोमीटर लाख क्रोर्स था लेकिन अब ये ओवर रन हो गया हो। और आज फेज वन का जो टोटल कॉस्ट है वो एट फाइव फाइव एट पॉइंट फाइव लैख क्रोर्स तक पहुंच गया है और ये इंडिया का आज की डेट का आज तक की डेट का सबसे बड़ा रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट या रोड प्रोजेक्ट रहा है फेज वन में Uh, 550 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा तो टोटल भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर 718 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करना है लेकिन जो फेज वन है उसमें 550 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा फेज़ वन के अंदर अगर हम बात करें तो पहले ये कनेक्ट करेंगे ये हाईवेज़ को महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान पंजाब एंड हरियाणा जो बेसिकली वेस्टर्न साइड पे जो आ, स्टेट्स आती हैं उनको कनेक्ट करेंगे उसके बाद फिर हिमालयन स्टेट्स मतलब जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट किया जाएगा उसके बाद फिर यूपी बिहार जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है उनको लाया जाएगा फिर उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में जाएगा और वेस्ट बंगाल सिक्किम आसम अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करेंगे और फाइनली फिर जो पूर्वांचल है पूर्वांचल अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय का एक्सटेंशन है तो वहां पे मणिपुर और मिजोरम स्टेट्स को बाद में लास्ट में कनेक्ट किया जाएगा भारतमाला में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 550 डिस्ट्रिक्ट फिफ्टी डिस्ट्रिक्टडक्वार्टर्स को कनेक्ट किया जाएगा और अभी हमने जो बात की कि नेशनल कॉरिडोर जो हैं वो अभी सिक्स हैं इंडिया के अंदर लेकिन उसको एक्सटेंड किया जाएगा उनको इस नंबर को रेज किया जाएगा और टोटल 50 नेशनल कॉरिडोर बनाए जाएंगे अभी जो नेशनल हाईवेज के थ्रू जो मतलब सामान पहुंचाया जाता है वो 40 परसेंट है Uh, मतलब टोटल uh, सामान जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसका वो, वो इंक्रीज होगा और फिर टोटल एट्टी परसेंट फ्रेड ट्रैफिक जो है वहां तक इंडिया लेके जाएगा अपने नेशनल हाईवेज को के फ्रेड ट्रैफिक को और यहाँ पे 24 फोर लॉजिस्टिक पार्कस बनाए जाएंगे 66 सिक्स इंटर कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे 116 हंड्रेड सिक्सटीन फीडर रोड्स बनाए जाएंगे और टोटल 7,500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स एंड सेवन नॉर्थ ईस्ट मल्टी मॉडल वाटरवेज बोर्ड को बनाए जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप बस ना याद रख सकते हो कि ये कौन कौन सी स्टेट को कनेक्ट करेगा और ये बेसिकली क्या है किस चीज के लिए बनाया गया है अब यहाँ पे यह है कि जो ऑलरेडी मैंने बताया कि नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो उसके जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स उसको सब्ज्यूम किया गया वो उनको कंप्लीट किया जाएगा अब भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर और जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसका फेज वन जो है उसको उसको कंप्लीट होना था बाय 2022 आई थिंक अब वो डिले हो गया अब 2026 तक वो कंप्लीट हो जाएगा अब हम बात करते हैं स्टेट हाईवेज की स्टेट हाईवेज है ये स्टेट कैपिटल्स या फिर डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो एक स्टेट के अंदर जो स्टेट की कैपिटल होगी और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टडक्वार्टर्स होंगे उनको कनेक्ट करती है स्टेट हाईवेज और स्टेट हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट जो वहाँ का पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट होगा वो बनाएगा नव यहाँ पे ये डिफरेंट नेशनल हाईवेज को भी कनेक्ट कर सकती है तो दो नेशनल हाईवेज के बीच में एक स्टेट हाईवे हो सकती है या फिर स्टेट हाईवेज के बीच में एक और एक स्टेट हाईवे हो सकती है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी स्टेट के पास पैसा ना हो स्टेट हाईवे बनाने के लिए तो वो जो सेंट्रल रोड फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल रोड फंड होता है जो बेसिकली हाईवेज के लिए होता है वहाँ से भी ग्रांट्स मिल सकते हैं स्टेट को स्टेट हाईवे बनाने के लिए स्टेट हाईवे की नंबरिंग एस एच होती से स्टार्ट होती है जैसे नेशनल हाईवे की एनएच से स्टार्ट होती है फिर उसके बाद स्टेट का नंबर होता है एक कोड होता है स्टेट का फॉर एग्जाम्पल एस एच जे के इसका मतलब है स्टेट हाईवे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और फिर हाईवे नंबर होगा तो एस एच जेके ट्वेंटी थ्री फॉर एग्जाम्पल मतलब स्टेट हाईवे जेके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ट्वेंटी थर्ड नंबर ठीक है उसके बाद अगर हम देखें टोटल लेंथ अराउंड 1.86 लाख किलोमीटर्स की है तो कहीं पे आपको 1.76 भी मिलेगा लेकिन जो रीसेंट है उसके अकॉर्डिंग 1.86 लाख किलोमीटर्स की स्टेट हाईवेज है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज है लाइक नेशनल हाईवेज वैसे ही स्टेट हाईवेज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर है अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की तो डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाईवे होता है ये बेसिकली आप मान सकते हो इसको आप सिटी रोड भी कह सकते हो ये डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर को कनेक्ट करती है बाकी छोटे छोटे जो वहां पे टाउन होंगे उनके साथ जिला परिषद जो होती है तो अगर आपने पंचायती राज पढ़ा होगा तो उसमें जिला परिषद जो होती है वो कंस्ट्रक्ट करती है इन

है uh, है है मतलब इसका सारा जो fund है, वो central government से ही आता है और ये जो है ये रूरल रोड्स बनाती है इसके बाद अगर हम पी एम की बात करें तो पीएम जीएसई के अंदर ऐसी villages को रोड uh, प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मिनिमम पॉपुलेशन फाइव हंड्रेड हो तो जिस गांव के अंदर 500 लोग हैं वहां पे पीएमजीएसवाई रोड बना सकती है लेकिन अगर हिली या ट्राइबल या डेजर्ट एरिया होगा तो वहां पे अगर 250 लोग भी किसी एक छोटी सी विलेज में रहते होंगे तो उसके अंदर भी पीएमजीएसवाई के थ्रू रोड बनाई जा सकती है रूरल रोड रोड्स जो है वो सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर सेवेंटी मतलब अराउंड सेवेंटी रोड्स इंडिया के अंदर रूरल रोड रोड्स रोड हैं इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा और एक प्रोग्राम है जिसको हम भारत निर्माण प्रोजेक्ट कहते हैं और ये भारत निर्माण प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली रूरल रोड्स को प्राइवेटाइज करती है मतलब रूरल रोड रूरल रोड्स को प्राइवेटाइज नहीं करती रूरल रोड्स की कंस्ट्रक्शन को प्राइवेटाइज करती है मतलब अब प्राइवेट कंपनीज भी रूरल रोड्स बना सकती है थ्रू भारत निर्माण स्कीम या थ्रू भारत निर्माण प्रोग्राम अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फंडिंग आती है पीएम जी एस वाई के थ्रू जो रूरल रोड्स बनाने के लिए पीएम जी एस वाई के लिए या फिर बाकी स्कीम्स के लिए वो बाहर से भी आती है लाइक वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी आती है अब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं कुछ लाइक like वी हैव द राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संजोगता परियोजना तो ये एक प्रोजेक्ट है या एक स्कीम है गवर्नमेंट की तो जो रोड बनाएगी हंड्रेड हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करेगी थ्रू कंट्री आउट द कंट्री इसके बाद है सेतु भारतम सीतू ब्रिज को कहते हैं सीतू हिंदी में ब्रिज को कहते हैं तो सीतु भारतम 2016 में लॉन्च की गई ये स्कीम जो है ये जो भी नेशनल हाईवेज हैं वहां पे ये ब्रिज बनाएगी ताकि जो रेलवे क्रॉसिंग्स होती है आप बहुत जगह देखोगे कि हाईवे के ऊपर भी रेलवे क्रॉसिंग होती है तो वहां पे ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि वहां पे जो है ट्रेन को रोकने की जरूरत ना पड़े या फिर वहां पे वो जो बैरियर्स बनते हैं वहां पे जो क्रॉसिंग्स होती हैं वो ना बने तो बेसिकली सीतु भारतम जो है ये रेलवे क्रॉसिंग्स के ऊपर ब्रिज बनाएगी ताकि हाईवे जो है वो फ्री रहे रेलवे क्रॉसिंग से बाई ट्वेंटी नाइनटीन यहां पर टोटल टू हंड्रेड एंड एट ब्रिज बनाए जाएंगे अब नेक्स्ट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं दैट्स योर पाइपलाइंस अब पाइपलाइंस के मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पाइपलाइंस से हम लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं करते बल्कि हम डिफरेंट कमोडिटीज लाइक ऑयल नेचुरल गैस मिनरल ओर्स जो कि सिलरी फॉर्म में होते हैं मतलब मिनरल ओर लिक्विडी लिक्विड फॉर्म में होंगे जो मूव कर सकते हैं इन पाइपलाइंस के थ्रू तो मिनरल ओर्स को भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो पाइपलाइंस के थ्रू तो पाइपलाइंस जो है ये बहुत सारा खर्चा बचाते हैं जो डिले होता था ट्रांसपोर्ट में वो पाइपलाइंस के थ्रू वो प्रॉब्लम नहीं आती है बेसिकली पे प्रोडक्ट्स तो उस को, तो को अलग अलग किया जाता है उसको हम रिफाइनरी कहते हैं तो ऑयल फील्ड और रिफाइनरी के बीच में एक पाइपलाइन डाली जाती है तो जैसे ही तेल निकाला जाता है ऑयल फील्ड में से उस तेल को फिर पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है अब यहाँ पे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को या फिर गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे कन्वीनियंट सो कन्वीनियंट मींस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है आप कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आप ले जा सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब क्रूड ऑयल जेट फ्यूल ये आप ले जा सकते हो लिक्विड प्रोडक्ट्स चाहे पानी हो अमोनिया हो अमोनिया हो उसको भी ले जा सकते हो गैसेज को लाइक नेचुरल गैस है एलपीजी ब्यूटेन है उसको भी पाइपलाइंस के थ्रू आप ले जा सकते हो जैसे ही सॉइल जो सॉलिड प्रोडक्ट्स है लाइक कोल मिनरल या फिर सॉलिड वेस्ट उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है थ्रू दिस पाइपलाइंस इंडिया की कुछ छह मेजर पाइपलाइंस की बात करते हैं फर्स्ट इज द नहर काटिया नूनमाती बरौनी पाइपलाइन ये पाइपलाइन जो है ये क्रूड ऑयल के लिए है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उतना बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादातर जो ये पाइपलाइंस है ये क्रूड ऑयल के लिए ही होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हाँ जो आपको याद रखनी है इसमें से मुंबई हाई से मुंबई और फिर आगे अंकलेश्वर कयोली पाइपलाइन है ये आपको याद रखनी है कि ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए है ऐसे ही इंपॉर्टेंट है सलाया कोयाली मथुरा पाइपलाइन ये आपको याद रखना है कि ये जो है क्रूड ऑयल ले जाती है कोयाली से मथुरा के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हाजरा बीजापुर जगदीशपुर जिसे एच गैस पाइपलाइन भी कहते हैं ये आपको याद रखना है कि ये एक एल पी जी पाइपलाइन है तो ये आपको याद रखना है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन है इंपॉर्टेंट है याद रखना है दैट हाजरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है ये लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन है देन वी हैव द जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन ये आपको याद रखनी है कि ये लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है एलपीजी पाइपलाइन है इंडिया की वर्ल्ड की देन वी हैव द कांडला बठिंडा पाइपलाइन ये जो है ये क्रूड ऑयल लेके जाती है तो यहाँ पे क्या चीजें आप याद रखोगे मोस्टली यहाँ पे जो पाइपलाइंस हैं ये क्रूड ऑयल को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह लेकिन जो मुंबई हाई वाली है वहां से नेचुरल गैस भी जाती है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखने की हाजरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन है वैसे ही इंपॉर्टेंट है जामनगर लोनी पाइपलाइन जो कि एलपीजी पाइपलाइन है और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन ठीक है अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवेज की इंडियन रेलवेज जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड का एंड सेकंड बिजिएस्ट वर्ल्ड का रेलवे नेटवर्क है 62,000 किलोमीटर किलोमीटर्स की रेलवे लाइन है इंडिया के अंदर अब इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ट्रेन जो है इंडिया के अंदर वो लॉर्ड डलहाउजी ने चलवाई थी 1853 में बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर किलोमीटर्स की थी तो जेके एस कभी कभी पूछता है ऐसे क्वेश्चन तो याद रखोगे आप इट वाज इन 1853 लॉर्ड डलहाउज़ी के टाइम पे थी ये इस रेलवे को जो बनाया था उसको बनाया था ग्रेट इंडियन पैनन्सुलर रेलवे कंपनी ने सो तो इसको बनाया था इस कंपनी ने देन हम पहले स्टेशन की बात करें जो पहला स्टेशन बनाया गया था रेलवे स्टेशन वो इसी रेलवे लाइन लाइन के के रेलवे ऊपर था दैट वाज बोरी बंदर जो कि मुंबई में था बोरी बंदर रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे 1950 में नेशनलाइज कराया गया मतलब फिर वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई नाइनटीन में इंडियन रेलवेज की अगर बात करें तो इंडिया के रेलवेज को सेवनटीन जोन में डिवाइड किया जाता है ठीक है तो सेवनटीन जोन में डिवाइड किया जाता है अब जो नया बनाया गया है वो कोलकाता मेट्रो जोन है वो भी अब एटीन रेलवे जोन बना है इंडिया के अंदर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन यूनिट है बस या, ये याद रखो कि इनमें से जो 17 जोन हैं उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे है वो हम आगे देखेंगे और इन 17 जोन में से जो नॉर्थ जोन है वो लार्जेस्ट रेलवे जोन है इंडिया का नॉर्थ जोन जो है उसका हेड क्वार्टर डेली के अंदर है वो हम आगे देखेंगे तो याद रखोगे आप ये चीज भी रिसेंटली 2021 की ही बात है मणिपुर में ये नई स्टेट जो है इसके अंदर भी रेलवे लाइन रेलवे इंट्रोड्यूस कराया गया इससे पहले मणिपुर के अंदर रेलवे नहीं थी लेकिन रिसेंटली मणिपुर के अंदर भी अब रेलवे आ गई है ये 2021 की बात है अब यहाँ पे इंडियन रेलवे की अगर बात करें तो पीर पीरपंजल रेलवे टनल जो है जो आपकी जो काजीगुंड बनिहाल रेलवे टनल है जिसको पीर पंजल रेलवे टनल भी कहते हैं वो इलेवन पॉइंट टू फाइव किलोमीटर्स की है ये आपको ये आपने पढ़ी होगी ये बनिहाल में जो बिचलेरी वैली है उसको कनेक्ट करती है काजीगुंड के साथ और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल है सो बी रेलवे टनल और रेड रोड टनल इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है पीर पीरपंजल रेलवे टनल लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस ये एक ट्रेन है लखनऊ से दिल्ली चलती है इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस ये इंडिया की पहली ट्रेन थी जिसको ऑपरेट करेंगे प्राइवेट ऑपरेटर्स मतलब अभी तक जो ट्रेनस थी वो जब जैसे हमने देखा 1950 में इसको नेशनलाइज किया गया था मतलब जो ट्रेन हैं जो रेलवेज हैं वो गवर्नमेंट के के अंडर आती है लेकिन अब जो तेजस एक्सप्रेस है उसको ऑपरेट करेगी प्राइवेट कंपनी कौन सी है आई आर एक प्राइवेट कंपनी है जो कि चलाएगी बेसिकली ये एक इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडरी आई आर सी की ऐप अपने यूज की होगी लेकिन ये आप मान सकते हो कि ये प्राइवेट ही है ये गवर्नमेंट ओन्ड आई आर टी सी नहीं है तो पहली ट्रेन जो कि प्राइवेट प्राइवेटली ऑपरेटेड होगी जिसे प्राइवेट प्लेयर्स ऑपरेट करेंगे दैट विल बी तेजस एक्सप्रेस जो फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की दैट इज वंदे भारत एक्सप्रेस ये रिसेंटली लॉन्च की गई इसकी टॉप स्पीड 180 एटी किलोमीटर्स तक जा सकती है तो फास्टेस्ट ट्रेन इज योर वंदे भारत लेकिन जो फास्टेस्ट ऑपरेटिंग ट्रेन है दैट इज गतिमान एक्सप्रेस इसका मतलब है कि वंदे भारत 180 तक जा सकती है लेकिन ये इस स्पीड पे नहीं चलती है आज की डेट में जो गतिमान एक्सप्रेस है वो वन सिक्सटी किलोमीटर्स पे चलती है तो फास्टेस्ट ऑपरेटिंग ट्रेन जो है वो है गतिमान एक्सप्रेस वो वन सिक्सटी किलोमीटर की स्पीड पे चलती है जो बा, बार, वंदे भारत एक्सप्रेस है वो 180 वन एटी की स्पीड तक जा सकती है लेकिन आज की डेट में वो जो चलती है वो वन सिक्सटी से नीचे चलती है इसके बाद विवेक एक्सप्रेस है जो कि चलती है दिब्रुगढ़ से कन्याकुमारी तक डिब्रूगढ़ जो है वो असम में है कन्याकुमारी नीचे आपको पता होगा वो तमिलनाडु में है ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की चलने वाली ट्रेन है ये बयासी घंटे लगते हैं इसको असम दिब्रूगढ़ से आने कन्याकुमारी तक और ये दुनिया पूरे साब कॉन्टिनेंट में इससे ज्यादा टाइम किसी ट्रेन जर्नी में नहीं लगता है इसके बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है लॉन्गेस्ट स्टेशन ये 1.3 किलोमीटर थ्री का लेंथ का है फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है इंडिया के अंदर वो चलाई गई थी 1925 में दैट वाज बिटवीन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल एंड कुरला हटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गोरखपुर रेलवे स्टेशन आपको याद रखना है फास्टेस्ट ट्रेन जो है वंदे भारत ये आपको याद रखना है प्राइवेटाइज जो है वो है तेजस एक्सप्रेस ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो है वो अभी है नहीं इंडिया में ये 2022 में तक आएगी इसको लॉन्च करेगी इसको बना रही है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एन एच एस आर सी एल दैट इज नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये ट्रेन जो है ये मुंबई से अहमदाबाद चलेगी मतलब मुंबई से अहमदाबाद मतलब गुज, गुजरात तक चलेगी अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा जंक्शन जो है वो सबसे बड़ा जंक्शन है लॉन्गेस्ट जो है वो गोरखपुर है सबसे बड़ा जंक्शन जो है वो मथुरा जंक्शन है इसमें टोटल टेन प्लेटफॉर्म्स है और ये सेवन अलग अलग रूट्स वहाँ से निकलते हैं महाराजा एक्सप्रेस इंडिया की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव लक्शरी ट्रेन है बोलू है बोलू इज द मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवेज इंडियन रेलवेज का जो मैस्कट है वो बोलू है जो कि एक एलिफेंट है इस तरह ये जो है इसको बोलू कहते हैं इसकी आपने देखी होगी बहुत जगह पे आपको रेलवे स्टेशन पे ये मिलता है तो ये बोलू जो है ये मैस्कट है जो कि एक एलिफेंट है ये मैस्कट है इंडियन रेलवेज का देन यहाँ पे इंडिया में टोटल एट रेलवे म्यूजियम्स है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं बस आप याद रख सकते हो कि टोटल एट रेलवे म्यूजियम्स हैं और जो यूनेस्को है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है डिफरेंट रेलवेज को लाइक दार्जिलिंग रेलवे हिमालयन रेलवेज नीलगिरी माउंटेन रेलवेज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड कालका शिमला रेलवेज यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये कॉरपोरेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है इसका काम होता है कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तो रेलवेज में जो है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है अब यहाँ पे हम देखेंगे रेलवे जोन्स को तो टोटल हमने देखा टोटल 18 रेलवे जोन उनको हम वन बाई वन देखेंगे कि उनके हेडक्वार्टर्स क्वार्टर्स कहाँ पे हैं तो टोटल 18 रेलवे जोन्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं याद आपके इनके हेडक्वार्टर्स रखने हैं तो अलग अलग इन्होंने डिवाइड किया हुआ है इंडिया के मैं आपको अलग अलग रेलवे ज़ोन्स में तो फर्स्ट इज द सेंट्रल रेलवे जोन इनको मान में देखेंगे आपको याद हो जाएंगे सेंट्रल रेलवे जोन जो है वो बेसिकली जो सेंटर का ये जो एरिया है इसको कहा गया है सेंट्रल रेलवे जोन इसका क्वार्टर जो है वो यहाँ मुंबई में है तो बेसिकली यहाँ पे ये यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये इन्होंने यहाँ मुंबई में रखा हुआ है सेकेंड अगर हम देखेंगे वेस्टर्न वेस्ट West मतलब जो ये वाला रीजन है यहाँ पे तो ये वाला रीजन जो है इसका हेडक्वार्टर यहीं पे है मुंबई में तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल इन दोनों का मुंबई में हेडक्वार्टर है जो वेस्टर्न है इसके बाद अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ सबसे बड़ा रेलवे जोन है इंडिया का जो हमने अभी देखा तो नॉर्थ ऊपर ऊपर कौन सी बड़ी सिटी है यहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली में है जो नॉर्दर्न रेलवे जोन है उसका दिल्ली में है अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो मेट्रोपोलिटन सिटी है वो कोलकाता तो ईस्टर्न जो है उसका कोलकाता में यहाँ पे हेडक्वार्टर है तो ईस्टर्न रेलवे जोन का कोलकाता में है नीचे अगर आप जाओगे नीचे जो मेट्रोपोलिटन सिटी है वो चेन्नई है चेन्नई में है आपका साउद तो याद होंगे आपको चार सेंट्रल का मुंबई में है वेस्टर्न का भी मुंबई में नॉर्दर्न का दिल्ली में ईस्टर्न का कोलकाता में और नीचे साउदर्न जो है उसका है नीचे चेन्नई में इसके बाद अगर आप देखोगे अब हम देखेंगे ये नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट का जो है वो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो गोरखपुर में है नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर में अब साउथ ईस्ट जो है ये साउथ ईस्ट है साउथ ईस्ट का यहां होना चाहिए था कहीं पे लेकिन वो भी कोलकाता में है तो दोनों ईस्टर्न भी और साउथ ईस्टर्न ये दोनों कोलकाता में है इसके बाद साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट कहाँ पे होगा ये साउथ है और ये वेस्ट है तो इन दोनों के बीच में कहीं पे होना चाहिए तो यहाँ पे यहाँ पे एक महाराष्ट्र में ही एक सिटी है जिसे हुबली कहते हैं हुबली के अंदर है आपका जो साउथ वेस्ट 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 है 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 इसके बाद नॉर्थ नॉर्थ एंड वेस्ट. तो पे पे बीच में कौन सी राजस्थान में इंपॉर्टेंट है दैट इज जयपुर जयपुर के अंदर है नॉर्थ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर ऐसे ईस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट मतलब तो ये वाला कोस्ट जो है इस कोस्ट के ऊपर है आपका ईस्ट कोस्ट का जो हेडक्वार्टर है ये जो रीजन है ईस्ट कोस्ट बेसिकली जो ईस्ट कोस्ट है उसमें ये वाला रीजन आता है उड़ीसा का कोस्ट जो है उड़ीसा का कोस्ट है तो उड़ीसा की मेन सिटी जो है वो है उरीशा। तो उरीशा में, में है वो भुवनेश्वर भुवनेश्वर दैट्स कैपिटल ऑफ उड़ीसा उड़ीसा तो में में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का है। इसके बाद है साउथ कोस्ट साउथ कोस्ट मतलब नीचे का कोस्ट अगर आप नीचे का कोस्ट देखोगे तो नीचे जो कोस्ट है नीचे के कोस्ट में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो चेन्नई है लेकिन जो हेडक्वार्टर है साउथ कोस्ट का वो रखा गया है विशाखापट्टनम में जो क्या आंध्र प्रदेश में है तो साउथ कोस्ट जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है विशाखापट्टनम है नॉर्थ सेंट्रल मतलब नॉर्थ में और थोड़ा बीच में तो नॉर्थ ऊपर है और फिर सेंट्रल बीच में थोड़ा तो यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे इलाहाबाद आता है जिसको प्रयागराज कहते हैं वहां पे आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है इसके बाद है साउथ सेंट्रल मतलब नीचे थोड़ा सा साउथ और फिर सेंट्रल तो साउथ सेंट्रल तो नीचे थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखेगा जो सिकंदराबाद है जो हैदराबाद के पास में एक सिटी है दैट्स कॉल्ड एज बाद वहां पे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का क्वार्टर है इसके बाद है वेस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल मतलब थोड़ा इस तरफ वेस्ट में और फिर सेंटर में तो ये यहाँ पे आपको जबलपुर एक आपको दिखेगा ये मध्य प्रदेश के अंदर है तो जबलपुर के अंदर है आपका वेस्ट सेंट्रल हेडक्वार्टर ठीक है इसके बाद है ईस्ट सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल मतलब थोड़ा ईस्ट में और थोड़ा बीच में सेंट्रल में तो ईस्ट और सेंटर में जो है वो यहां इन्होंने बिहार में रखा हुआ है दैट इज इन हाजीपुर बिहार इसके बाद है साउथ ईस्ट सेंट्रल मतलब साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट से ये साउथ है ये ईस्ट है और फिर सेंट्रल है तो ये यहां पे ऑलमोस्ट होगा तो यहां पे इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक, एक बिलासपुर में साउथ ईस्ट सेंट्रल का रीजन को हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहते हैं उस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का आसाम की कैपिटल गुवाहाटी में हेडक्वार्टर है ये आपका सेवनटीन है एंड फाइनल जो एटीन है वो है आपका कोलकाता मेट्रो कोलकाता मेट्रो जो है वो यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है तो इस तरह से आपको

इंपॉर्टेंट मेट्रोज की बात करें तो कोलकाता इंडिया की पहली जो मेट्रो है वो कोलकाता में लाई गई थी दिल्ली जो है दिल्ली मेट्रो इज द लार्जेस्ट मेट्रो इन बैंगलोर in जो है बैंगलोर इज द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया मुंबई मुंबई मेट्रो फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाई गई मेट्रो है मतलब इसको बनाया गया था, का भी थोड़ा सा शेयर था और प्राइवेट जो कंपनीज है उनका भी थोड़ा सा शेयर था इसको बनाने के लिए देन गुरगांव जो है वर्ल्ड इट्स इंडिया फर्स्ट फुल प्राइवेटाइज प्राइवेटली फाइनेंस मेट्रो मतलब गुरगांव मेट्रो प्राइवेट कंपनीज ने बनाया था इसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं था इनको आप याद रखोगे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेट्रो के रिलेटेड पूछी जा सकती हैं देन वी हैव द डायमंड क्वारेट प्रोजेक्ट तो बेसिकली डायमंड क्वाडर रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है जैसे हमने गोल्डन क्वार रिलेटेड प्रोजेक्ट देखा था वैसे ही डायमंड डायमंडेटेड प्रोजेक्ट भी है तो डायमंड जो गोल्डन क्वारेट प्रोजेक्ट था वो रोड्स uh, के थ्रू कनेक्ट करता था चार मेट्रोपॉलिटन सिटीज को वैसे ही डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है ये हाई हाई स्पीड स्पीड रेल रेल नेटवर्क नेटवर्क से मतलब बेसिकली बुलेट ट्रेन आप मान सकते हो या उससे कम स्पीड की भी जो चलती है उनको हम हाई स्पीड मानेंगे तो हाई स्पीड रेल नेटवर्क एक बनाया जाएगा इन डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ये कनेक्ट करेगा चार मेट्रोपॉलिटन सिटीज को और ये अभी बना नहीं है बेसिकली इसका रूट कहां से होगा वो भी अभी तक पता नहीं है इसको 2014 में अनाउंस किया गया था अब हम बात करते हैं वाटरवेज ट्रांसपोर्ट की तो वाटरवेज जो है इंडिया में इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए फर्स्ट तो अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये आपको पता होगा कि ये वन ऑफ द चीपेस्ट है इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं और इसमें इतना पोल्यूशन भी नहीं होता है क्योंकि जो वाटर का फ्लो है उसके साथ अगर जो शिप है या जो भी जो जो बोट होगी वो अगर उसी के साथ चलेगी तो पैसा भी बचता है और इसमें पोल्यूशन भी नहीं होता है इंडिया में अगर हम इनलैंड वाटरवेज की बात करें जो मतलब जो दरिया के अंदर जो वाटरवेज है उनकी टोटल लेंथ 14,500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स है उनमें से 565 मतलब पाँच किलोमीटर जो है वो नेविगेबल है बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कि 5600 किलोमीटर में ऐसी बोट्स चल सकती है जो कि आप मान सकते हो मोटर बोट्स इनको आप कह सकते हो या बड़ी जो बोट्स हैं जो बेसिकली हाथ से जो चलती है जो छोटी जैसे शिकारा होती है बाकी में वो वैसी बोट्स चल सकती है लेकिन सिर्फ फिफ्टी सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स में जो है आप मेकेज वेसल्स या बोट्स चला सकते हो इंडिया जो है वो सिक्सटींथ लार्जेस्ट मेरेटाइम कंट्री है मतलब इंडिया का जो कोस्ट है वो सिक्सटीन लार्जेस्ट है टोटल पूरी दुनिया में जैसा हमने पढ़ा था कि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स की है अगर हम इंडिया की शिपिंग मिनिस्ट्री की बात करें तो शिपिंग की बात करें तो शिपिंग uh, से अराउंड 95 परसेंट जो इंडिया ट्रेड करता है बाय वॉल्यूम मतलब जितना भी uh, ट्रेडिंग होती है उसमें से 95 परसेंट शिप्स uh, शिपिंग के थ्रू मतलब आप मानो कि मेरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सिर्फ फाइव परसेंट जो है वो रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेवेंटी परसेंट बाई वॉल्यूम अगर वॉल्यूम की अगर वैल्यू की बात करें मतलब टोटल कितने पैसे का ट्रेड होता है उसमें सेवेंटी परसेंट जो है वो मेरेटाइम ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है 2020 नवंबर में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग थी उसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए कि नाउ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इंडिया के अंदर टोटल थर्टीन मेजर पोर्ट्स हैं जो बड़े पोर्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है और जो छोटे पोर्ट्स हैं जो माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, वो टू हंड्रेड एंड फाइव है तो थर्टीन आपको याद रखना है मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसे सागरमाला प्रोजेक्ट कहा जाता है जिसमें छः नए मेगा पोर्ट्स बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज हैं उनकी कनेक्टिविटी भी डेवलप की जाएगी इस सागरमाला के अंदर तो भारतमाला जो है वो ऊपर है मतलब जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं लैंड फ्रंटियर स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट करेगी थ्रू रोड्स सागरमाला जो है वो कोस्टल सिटीज को कनेक्ट करेगी इसके अलावा गवर्नमेंट ने हंड्रेड परसेंट एफ मतलब फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ की है हार्बर एंड पोर्ट डेवलपमेंट के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के अंदर जो वाटरवेज है जो दरिया के अंदर जो वाटरवेज है उनमें

डुबरी तक जाती है असम तक जाती है ये जो है ये नेशनल वाटरवे टू है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है इसकी टोटल लेंथ एट नाइन्टी वन किलोमीटर है और यहाँ पे एनडब्ल्यू थ्री जो है नेशनल वाटरवे थ्री दैट इज कोटापुरम कोलम नेशनल वाटरवे कोटापुरम कोलम नेशनल वाटरवे जो है ये यहाँ केरला में है केरला में यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे एक कैनाल है जिसको हम कहते हैं वेस्ट कोस्ट कैनाल तो यहाँ वेस्ट कोस्ट कैनाल में ही एक वाटरवे है जिसे हम कोटपुरम कोलम कैनाल कहते हैं या कोटापुरम कोलम के बीच में जो ये कैनाल है इसको नेशनल वाटरवे थ्री कहा गया है और ये जो है ये केरला के अंदर है देन वी हैव एन एनडब्ल्यू फोर दैट्स नैट इंटरनेशनल वाटर वे ये है काकिंडा और पुडु, पुडुचेरी के बीच में तो काकिंडा और पुडुचेरी एंड जो पुडुचेरी है वो है यहाँ पुडुचेरी आपको यूटी पता ही होगी तो तमिलनाडु के बिल्कुल यहाँ पे कोस्ट पे एक छोटी सी यूटी है जिसको पुडुचेरी कहा जाता है तो इसको कनेक्ट करती है तो ये बेसिकली जो ये चलती है यहाँ पे अलग अलग रिवर्स है यहाँ पे गोदावरी है तो गोदावरी में यहाँ से स्टार्ट होती है

पारादीप एक पोर्ट है जो उड़ीसा के अंदर है और यहाँ पे आपको नेशनल वाटरवे फाइव मिलेगा तो नेशनल वाटरवे फाइव ये है कहां? ये है तालचेर से लेकर पारादीप पोर्ट तक ठीक है पारादीप पोर्ट तक उड़ीसा के अंदर देन अगर हम बात करें नेशनल वाटरवे सिक्स की ये अभी बनी नहीं है ये प्रपोज है मतलब ये बनाई, बनाई जाएगी ये ये लखीपुर से बंगा तक है ये यहाँ असम में है नेशनल वाटरवेज सिक्स ये बराक रिवर है अगर आपको याद होगा एक ट्रिब्यूटरी है बराक ब्रह्मपुत्र की सो बराक रिवर के ऊपर बनाई जाएगी लाखीपुर से लेके बंगा तक ये असम मिजोरम मणिपुर और त्रिपुरा के बीच बनाई जाएगी दिस विल बी योर नेशनल वाटरवे सिक्स तो इस तरह से आपकी नेशनल वाटरवेज छह जो है ये आपको याद होनी चाहिए मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव दर्टीन मेजर सी पोर्ट्स जो ते, तेरा मेजर सी पोर्ट्स की मैंने बात की उनकी बात करते हैं जो मेजर सी पोर्ट्स हैं वो ये हैं ठीक है तो फर्स्ट so हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो यहां पे पोर्ट नंबर लिखा हुआ है मैं यहां से स्टार्ट करते हुए नीचे जाऊंगा और फिर इस तरह से आगे जाऊंगा तो सबसे पहले गुजरात में एक पोर्ट है जिसे कांडला पोर्ट कहते हैं कांडला पोर्ट यहाँ पे है और इसको हम कहते हैं ये एक टाइडल पोर्ट है अगर आपको याद होगा टाइडल पोर्ट थोड़ा आइडिया अगर होगा तो जब टाइड्स आती हैं तो जो टाइड्स है टाइड्स से इस पोर्ट के अंदर जो है इस हार्बर के अंदर पानी भर जाता है तो इस तरह से ऐसे पोर्ट्स जो टाइड्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं उनको हम टाइडल पोर्ट्स कहते हैं तो यहाँ गुजरात में एक पोर्ट है जिसे हम कांडला पोर्ट कहते हैं ये एक मेजर सी पोर्ट है देन वी हैव द सेकेंड वन जो यहाँ मुंबई में है तो मुंबई में एक पोर्ट है जिसे हम आ, कहते हैं मुंबई पोर्ट इसको हम गेटवे ऑफ इंडिया इंडिया भी कहते हैं और ये बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का तो याद रखोगे पहले कांडला पोर्ट है गुजरात के अंदर फिर यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई है तो मुंबई में मुंबई पोर्ट है ये बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का और इसे हम गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं मुंबई में ही दूसरा एक पोर्ट है जो कि जिसका नाम है नवा सेवा पोर्ट इसको जवाहरलाल नेहरू नेहरू पोर्ट भी कहते हैं ये इंडिया का पहला एंड द ओनली फुली पोर्ट है मतलब जहां पे uh, सिर्फ मैकेशीन जो है वो जो शिप्स हैं से कंटेनर्स उठाती हैं और डालती है नीचे तो ओनली पोर्ट ऑफ इंडिया इज द जवाहरलाल पोर्ट जो कि है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई के अंदर है तो मुंबई के अंदर दो पोर्ट है इसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहां गोवा आता है गोवा के अंदर और एक पोर्ट है जिसे हम कहते हैं मारमो गोवा पोर्ट तो ये याद रहेगा आपको इसमें भी जी लास्ट है में है तो गोवा नहीं है लास्ट में इसमें ठीक है, तो इस है।, है? तो गोवा गोवा है। जिसका तो नाम है मैंगलोर तो मैंगलोर में न्यू मैंगलोर पोर्ट है इसके नीचे अगर आप जाओगे तो केरला है केरला के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट सिटी दिखती है जिसका नाम है कोची कोची भी एक वहां पे भी एक पोर्ट है जिसे कोची पोर्ट कहते हैं देन वी है यहाँ तमिलनाडु है तमिलनाडु में यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट एक सिटी है जिसको हम कहते हैं टूटीकॉर्न ठीक है तो टूटीकॉर्न पोर्ट जो है ये है तमिलनाडु के अंदर ठीक है टूटिकॉर्न पोर्ट इसके ऊपर अगर आप देखोगे इसके ऊपर चेन्नई है तमिलनाडु में तो चेन्नई पोर्ट जो है वो भी तमिलनाडु के अंदर है ये इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है ईस्ट कोस्ट के ऊपर आर्टिफिशियल हार्बर एक तो नेचुरल हार्बर्स होते हैं जो खुद ब खुद बने होते हैं दूसरे होते आर्टिफिशियल हार्बर्स जो बनाए जाते हैं ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का तो याद रखना है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर एक पोर्ट है, जिसे हम कहते है, पोर्ट, उसके पोर्ट है इसके इंडिया का मतलब बाकी जो पोर्ट हैं वो गवर्नमेंट के हैं लेकिन ये वाला पोर्ट जो है ये एक कंपनी का है मतलब तो ओनली प्राइवेट या फिर कॉर्पोरेट जो पोर्ट है इंडिया के अंदर वो एनोर पोर्ट है और एनोर पोर्ट जो है तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में टोटल तीन पोर्ट्स हैं सबसे ज्यादा पोर्ट्स जो है मेजर पोर्ट्स वो तमिलनाडु के अंदर है यहाँ पे आपको ये आंध्र प्रदेश दिखा होगा और यहाँ पे हमने देखा था विशाखापट्टनम है तो यहाँ पे आपको विशाखापट्टनम पोर्ट मिलेगा जो जो कि याद रखना है कि ये डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का तो इंडिया का डीपेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट या आर्टिफिशियल हार्बर जो है वो विशाखापट्टनम है ये भी आपको याद रखना है इसके ऊपर जाओगे यहाँ उड़ीसा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है जिसे पारादीप पोर्ट कहते हैं जो हमने देखा था नेशनल वाटरवेज में भी तो पारादीप पोर्ट यहाँ उड़ीसा के अंदर है देन अगर हम कोलकाता में जाएंगे तो कोलकाता में आपको दो पोर्ट्स दिखेंगे एक पोर्ट आपको दिखेगा जिसका नाम है कोलकाता पोर्ट और याद रखना है कि कोलकाता पोर्ट जो है ये एक रिवराइन पोर्ट है रिवराइन पोर्ट बेसिकली जब रिवर जो है जब फ्लो करती है किसके अंदर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में तो वहां पर एक पोर्ट बना हुआ है रिवर के अंदर तो रिवर के माउथ के ऊपर एक पोर्ट बना हुआ है जो कि है कोलकाता पोर्ट तो अगर आपसे पूछा जाए रिवराइन पोर्ट कौन सा है तो याद रखना है इट्स कोलकाता पोर्ट इसके अलावा और एक पोर्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर जिसे हम कहते हैं हल्दिया पोर्ट हल्दिया पोर्ट जो है ये बनाया गया था ये बनाया गया है उगली रिवर के ऊपर जो कि जो कोलकाता पोर्ट के ऊपर प्रेशर बना था मतलब जो प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए तो ये इंपॉर्टेंट आपको तेरह के तो तेरह पोर्ट याद हो गए होंगे इसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट है जो मैंने बताया कि जिस तरह से भारतमाला था जो नॉर्थ में जो नॉर्थ नॉर्थ फ्रंटियर स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट करती है थ्रू रोड वैसे ही जो इंपॉर्टेंट कोस्टल सिटीज़ है नीचे से जो कोस्टल सिटीज हैं जो कोस्टल सिटीज हैं या जो कोस्टल एरियाज है उनको कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर जो भी पोर्ट्स हैं उनको बिल्ड करना पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए वहाँ पे रोड के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वहाँ पे जो कोस्टल या जो वहाँ पे वॉटर वेज है कोस्टल वाटरवेज उनको बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सागरमाला प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में छह नए पोर्ट्स बनाए जाएंगे तो अभी तक तेरह पोर्ट्स हैं तेरह बड़े पोर्ट्स हैं मेजर पोर्ट्स हैं अब यहाँ पे और छह ऐड किए जाएंगे इस सागरमाला प्रोजेक्ट के द्वारा अब यहाँ पे इसके अलावा फोर्टीन कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे यहाँ पे रोड के थ्रू रेल के थ्रू और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप याद रखोगे कि कोस्टल एरियाज के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मीन्स के थ्रू पे डेवलपमेंट की जाएगी इन दिस प्रोजेक्ट तो अब आते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर अभी हमने वाटरवेज भी देखी हमने लैंड ट्रांसपोर्ट देखा हमने रेलवेज भी देखी अब हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये सबसे फास्ट होता है ये आपको पता ही होगा और लेकिन ये सबसे कॉस्टली भी होता है बाकी के कंपैरिजन में इंडिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट जो है वो पंद्रह मिनट की फ्लाइट थी जो चलाई गई थी इलाहाबाद से लेकर नैनी तक तो यूपी के अंदर यमुना रिवर के ऊपर से चलाई गई थी ये अलाहाबाद नैनी इन ठीक ये इंडिया की पहली फ्लाइट थी ये नाइन पॉइंट सेवन किलोमीटर की थी जे आर डी टाटा इनका नाम आपने सुना होगा ये जो आज रतन टाटा है रतन टाटा के ये फादर थे जिन्होंने टाटा कंपनी बनाई थी तो बेसिकली उन्होंने पहली फ्लाइट उड़ाई थी सोलो फ्लाइट उड़ाई थी मुंबई से लेकर कराची तक 1931 में ठीक तो 1931 में इन्होंने एक आ, ये पहली आ, सोलो फ्लाइट थी जो इंडिया में उड़ाई गई थी जो जे आर डी टाटा ने उड़ाई थी तो बेसिकली 1931 में ही जे आर डी टाटा जो थे जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा जो थे इनकी टाटा कंपनी है जो आज है है टाटा कंपनी उन्हीं की थी बेसिकली इन्होंने टाटा एयरलाइंस बनाई थी इन्होंने एक एयरलाइन बनाई थी एयरलाइन कंपनी इसका नाम इन्होंने रखा था टाटा एयरलाइंस लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट ने जो है उस टाटा एयरलाइन को अपने नाम कर दिया था उसको बेसिकली गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दिया था या बेसिकली गवर्नमेंट ने उसको खरीद लिया था खरीद लिया मान सकते हो तो वो जो बाद में एयर इंडिया है वो बेसिकली इन्हीं की थी एयर इंडिया जो थी वो पहले टाटा एयरलाइंस थी जिसको फिर गवर्नमेंट ने उनसे लिया और फिर जो एयर इंडिया नाम इन्होंने रखा अब रिसेंटली आपने सुना होगा 2021 में ही जो टाटा कंपनी है इसने फिर से वापस खरीदा उसको गवर्नमेंट से तो अब जो एयर इंडिया है आज की वो गवर्नमेंट की नहीं है वो बेसिकली टाटा की है तो 1995 में जो इंटरनेशनल उस टाइम पे आज जो आपकी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया है जो एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है 1995 से पहले दो अथॉरिटीज़ हुआ करती थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को हैंडल करती थी और नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी जो बेसिकली डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को हैंडल करती थी इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में अब यहाँ पे ये अथॉरिटी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये मैनेज करती है दोनों सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च है डेली तो बेसिकली जो ट्रेनिंग के लिए ये अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं जो एयरलाइंस में जो स्टाफ होता है उनको ट्रेन करने के लिए तो यहाँ पे ये दो कॉलेज हैं इनको भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ही हैंडल करती है याद रखना है कि 1953 में इंडियन एयरलाइंस को नेशनलाइज किया गया इसको मतलब गवर्नमेंट ने इसी टाइम पे तब तक ये रतन टाटा की हुआ करती थी तब तक ये टाटा की हुआ करती थी एयर इंडिया फिर लेकिन फिर इसको नेशनलाइज किया गया 1953 में इसको मैनेज करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां पे इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो है अटलांटा यूएसए में दैट इज यूर हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली के अंदर है तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट न्यू डेली इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और इसमें लॉन्गेस्ट रन है इंडिया का दैट इज फोर किलोमीटर्स लॉन्ग छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ये आपको पता होगा ये मुंबई के अंदर है और ये सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर यहाँ पे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में, में टोटल चार एयरपोर्ट्स हैं जम्मू के अंदर एक एयरपोर्ट है जो कि एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है मतलब वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं उठती हैं वो बस थ्रू आउट इंडिया जो है यहाँ से फ्लाइट्स उठती हैं देन मेरा कारगिल एयरपोर्ट कारगिल एयरपोर्ट जो है ये डिफेंस का है वहाँ पे जो मिलिट्री है वो अपने प्लेन उतारती है देन वी हैव द कुशोक बकूला रिमपोचले एयरपोर्ट जो कि लेह के अंदर है ये भी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफेंस और डोमेस्टिक में ये डिफरेंस होता है डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट होगा वहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स भी उठती हैं वहाँ पे सिविल फ्लाइट्स भी उठती हैं लेकिन जो डिफेंस का होगा वहाँ पे यूजुअली डिफेंस के ही जो है फ्लाइट्स उतरती हैं इसके अलावा शेख उम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीनगर का ये ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ठीक है तो यहाँ पे आप याद रखोगे अब जम्मू एंड कश्मीर में दो ही हैं ठीक है क्योंकि अब अलग अलग हो गई है तो जम्मू एंड कश्मीर में अब दो एयरपोर्ट हैं एक तो जम्मू का एयरपोर्ट है और दूसरा है आपका श्रीनगर का एयरपोर्ट लेकिन इंटरनेशनल इनमें से सिर्फ श्रीनगर का एयरपोर्ट है जिसका नाम है शेख उलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कारगिल ले उनमें भी दो एयरपोर्ट है ठीक है लेकिन वो एक डिफेंस के लिए एक डोमेस्टिक है इंडिया के अंदर टोटल 487 एयरपोर्ट्स हैं इसमें एयरपोर्ट्स भी है एयर स्ट्रिप्स फ्लाइंग स्कूल छोटे मोटे जो फ्लाइंग स्कूल हैं या फिर जो मिलिट्री बेस है इनको काउंट अगर करेंगे तो टोटल फोर एटी सेवन है तो छोटे बड़े जहाज जहाँ पे उतर सकते हैं कहीं पे छोटे जहाज़ सिर्फ उतर सकते हैं तो उन सबको मिला के यहाँ पे हमारे पास फोर एटी सेवन टोटल एयरपोर्ट्स हैं वन ट्वेंटी थ्री एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं मतलब ऐसे एयरपोर्ट्स जो कि डोमेस्टिक हैं या फिर इंटरनेशनल है ठीक है जहाँ से कमर्शियल फ्लाइट होती हैं वो थर्टी फाइव इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ये भी आपको याद रखना है इंडिया में टोटल थर्टी फाइव इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया का जो पहला एयरपोर्ट था फर्स्ट और द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया वो था जूहू एरोडोम जो कि था मुंबई के अंदर 1928 में बनाया गया इंडिया का पहला एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनेगा इंडिया का पहला नेट जीरो इमिशन वाला एयरपोर्ट मतलब जहाँ से कोई भी जो कार्बन इमिशन होती हैं एयरपोर्ट से ये बेसिकली आप मान सकते हो कि एक इको एक 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 फ्रेंडली एयरपोर्ट बनेगा नोएडा के अंदर अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो जिस स्टेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं तो अभी की डेट में अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में फाइव इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं लेकिन उनमें से सिर्फ तीन बने हैं मतलब तीन अभी ऑपरेशनल है और दो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन अगर केरला की बात करें तो अभी केरला के अंदर चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तो वो केरला के अंदर है लेकिन अगर बात करें ओवरऑल तो उत्तर प्रदेश में पांच बनने वाले हैं क्योंकि दो अभी बनने बनने वाले हैं तो टोटल तो उसमें पाँच बनेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे लेकिन अगर हम स्टेट करें बात करें विद मैक्सिमम एयरपोर्ट्स चाहे कमर्शियल एयरपोर्ट्स की बात हो रही है चाहे इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक हो तो टोटल गुजरात के अंदर टेन टेन एयरपोर्ट्स हैं इससे ज्यादा किसी और स्टेट में एयरपोर्ट्स नहीं है ठीक है लेकिन ये कमर्शियल एयरपोर्ट्स हैं मतलब डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल हम कम्युनिकेशन सिस्टम पे आते हैं जो कि नेक्स्ट सेक्शन है इस टॉपिक के ऊपर अंदर कम्युनिकेशन मैंने जैसे बताया कि जैसे जब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या डेटा एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनिकेशन के हम ब्रॉडली दो क्लासेस में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वन इज पर्सनल मतलब जब आप आ, एक इंसान से दूसरे इंसान को मतलब बिटवीन टू परसन या बिटवीन ग्रुप ग्रुप ऑफ छोटा सा हो उसमें भी अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे फॉर एग्जाम्पल लेटर्स के थ्रू टेलीग्राम के थ्रू फैक्स ई मेल इंटरनेट के थ्रू ये आपका पर्सनल कम्युनिकेशन है जो पर्सनल यूज के लिए आप मान सकते हो देन वी देर द मास कम्युनिकेशन जब लोगों तक एक मास mass, मासेस तक बात पहुंचानी होगी कम्युनिकेशन करना होगा मासेस के साथ तो वहां पे जो कम्युनिकेशन यूज होता है उसको हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन उसमें आएंगे आपके रेडियो

जो कि गवर्नमेंट ऑपरेटेड पोस्टल सिस्टम है इंडिया के अंदर इंडिया में टोटल 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है और ये दुनिया का मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्टल सिस्टम है हेस्टिंग्स ने 1766 में पोस्टल सर्विस इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराई थी और उसका नाम रखा गया था उस टाइम पे कंपनी मेल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो कंपनी मेल उन्होंने नाम रखा था उसका लॉर्ड डलहाउजी ने फिर इन्होंने इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट एटीन इंट्रोड्यूस कराया गया अब इंडिया पोस्ट की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी सर्विसेज इंडिया पोस्ट हमें प्रोवाइड करता है आप मेल मतलब पोस्ट भेज सकते हो आप लेटर्स भेज सकते हो अब आप मनी ऑर्डर्स भी भेज सकते हो पहले मनी आर्डर्स भेजा करते थे लोग इसके अलावा छोटे मोटे वहाँ पे आप सेविंग स्कीम्स भी होती हैं एक तरह से पोस्टल बैंक्स जो होते हैं पोस्ट ऑफिस में एक छोटा सा बैंक भी होता है वहाँ पे आप डिपॉजिट भी कर सकते हो लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है अंडर पोस्ट ऑफिस अंडर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आप लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हो इंडिया पोस्ट से वैसे ही रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आर भी है रूरल एरियाज़ में लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है इसके अलावा आप रिटेल सर्विस लाइक बिल्स वहाँ पर कलेक्ट करते हो जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आप पहले भरा करते थे पोस्ट ऑफिस में तो इस तरह की चीजें भी पोस्ट ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में टोटल 23 पोस्टल सर्कल्स हैं तो बेसिकली इंडिया इंडिया में जो को डिवाइड किया गया है इनटू 23 पोस्टल सर्कल्स और हर एक पोस्टल सर्कल का एक चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है सो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल एक पोस्टल सर्कल का हेड होता है हर एक सर्कल जो होता है हर एक पोस्टल सर्कल का को डिवाइड किया जाता है रीजन्स में और हर एक रीजन का एक पोस्ट मास्टर जनरल होता है तो सबसे ऊपर होता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो हेड करता है सर्कल को और सर्कल के अंदर जो रीजन होते हैं उनको हेड करता है पोस्ट मास्टर जनरल और यहाँ पे जो डिविजन हैं उनको फर्दर भी सब डिवाइड किया जाता है इन टू सब डिविजन ट्वेंटी थ्री जो मैंने बात की अभी सर्कल्स की इसके अलावा और एक सर्कल भी बनाया गया है जो कि बनाया गया है आर्मड फोर्सेस के लिए उसको उसको कहते हैं बेस सर्कल तो टोटल ट्वेंटी थ्री पोस्टर सर्कल्स है इसके अलावा एक बेस सर्कल है फॉर द आर्मड फोर्सेस उसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल रेडियो और टेलीविजन की अगर बात करें तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में स्टार्ट की गई थी नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में थ्री में बाई रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट ने फिर 1930 में इन्होंने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाया तो बेसिकली रेडियो के ऊपर कंट्रोल लिया गवर्नमेंट ने 1930 में ऑल इंडिया रेडियो को 1936 में बनाया गया था और फिर 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रख दिया गया था इंडिया के अंदर अगर हम रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट वेव मीडियम वेव और फ्रीक्वेंसी मॉडलेशन जो कि एफ है इन तीन मोड्स के थ्रू इन तीन अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज में जो है ब्रॉडकास्टिंग होती है शॉर्ट वेव में सिक्स टू टू ट्वेंटी टू मेगा इस फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्टिंग होती है वैसे ही अगर हम मीडियम वेव की बात करें तो वहाँ फिर फाइव टू सिक्स से लेके वन सिक्स जीरो सिक्स गलोहर्ट्स

टेलीग्राफ एंड टेलीफोन की और प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो टेलीग्राफ जो है आपको पता होगा कि टेलीग्राफ जो था वो जैसे टेलीफोन होता था टेलीफोन से आप वॉइस मैसेज भेजते हो बात करते हो टेलीग्राफ से आप टेक्स्ट मैसेज भेजा करते थे सिम्बल्स के थ्रू आप एक दूसरे को मैसेज किया करते थे इंडिया का पहला टेलीग्राफ जो था वो कोलकाता जो आज कोलकाता है कैलकाता से डायमंड हार्बर के बीच जो है सेंड किया गया था वेस्ट बंगाल में ये 1850 की बात है टेलीग्राम जो है इसको स्टॉप किया गया 15 जुलाई 2013 13 में 2013 के बाद इंडिया में टेलीग्राम सर्विसेज जो है वो बंद हो गई है बंगाल गैजेट जो है ये इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था इंडियन सब के अंदर हिकीज बंगाल गैजेट यहाँ पे इंडियन सैटेलाइट्स हैं इंपॉर्टेंट है इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है इंडियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपको पता ही होगा कि जो आज जो आप देखते हो जो टेलीविजन सिस्टम्स हैं वो इसी के ऊपर चलते हैं या बाकी जो रिमोट सेंसिंग के सिस्टम्स हैं वो भी सेटेलाइट से चलते हैं इंडिया में जो आपका दूरदर्शन है वो जो सेटेलाइट से चलता है उसको हम इनसेट कहते हैं इंसेट बने इंसेट क्या है ये हम आगे देखेंगे इंडिया में जो सेटेलाइट हैं उनको दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया या दो टाइप की सेटेलाइट इंडिया में हैं ठीक है वन इज द आई इनसेट दैट इज इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम एंड सेकंड इज दू आई आर एस कहते हैं दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट सिस्टम तो बेसिकली जो इनसेट है इन्सेट सेटिलाइट बहुत सारी इनसेट सेटलाइट्स हैं इंडिया ने लॉन्च की हुई है तो इन इनसेट सेटेलाइट्स का, का काम होता है ये मल्टीपर्पज़ होती हैं तो इनका काम होता है टेलीकम्युनिकेशन मतलब टी वी का जो काम होता है जो टी वी चैनल्स होती हैं वो इनसेट सेटलाइट्स के थ्रू ही चलती हैं वैसे ही मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मतलब वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इनसेट को यूज किया जाता है लेकिन जो आई आर एस है दैट इज इंडिया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट सिस्टम ये रिमोट सेंसिंग के लिए यूज की जाती है ठीक है तो आईआरएस जो है ये सबसे पहले लॉन्च की गई थी 1988 में उसको लॉन्च किया था रशिया ने तो बेसिकली इंडिया ये इंडिया की सैटेलाइट थी लेकिन इसको लॉन्च कराया गया था रशिया से इसके बाद फिर इसरो ने अपने लॉन्च व्हीकल्स बनाए जिसमें आपका पीएसएलवी आपने सुना होगा सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इंडिया का आज अपना अपने लॉन्च व्हीकल्स है और उसका नाम है पी दैट इज़ पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसके अलावा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो हैदराबाद के अंदर है जो कि आप मान सकते हो कि रिमोट सेंसिंग के एरिया में इंडिया की एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है सो दिस इज बीन रियली रियली लॉन्ग लेक्चर बट आई होप कि मैं जस्टिस कर पाया इस बड़े टॉपिक के साथ इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं आई वुड रिकमेंड कि आपको पी जो टेलीग्राम से मिल जाएगी आप उसको रिवाइज कीजिए वहाँ से एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज यू हैव मेड इट दिस फार आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय